और भाई माई चैम्पियंस व्हाट्सअप गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेलकम टू द सेशन बेटा गॉड ब्लेस यू ऑल मेरा भाई ओपी बेटा यू आर ओपी गॉड ब्लेस यू आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लास्ट सेशन है ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर फाइव जहां पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़नी है अगर फॉर्मूले की बात करें तो बिगिनिंग में आपने पढ़े थे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले मल्टीपल एंगल फॉर्मूले अब यहाँ पे आ गए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूले विच आर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली एंड कोर्स कंडीशनल आइडेंटिटीज ये क्या है देखेंगे आज सेशन के में uh, अगर इंपॉर्टेंस वाइज बात करें तो कंडीशनल एंट्रीज ऐसी चीज है जो कम यूज होंगी बट जहां पे यूज होंगी वहां पे इनके बिना हालत खराब हो जाएगी तो ये इनका रोल रहता है ओके okay? सो so, आज हम दोनों टॉपिक खत्म करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन विच विल बी ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर सिक्स इट विल बी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेश्स And inequalities in one shot, one big session and that complete equations and inequalities of trigonometry will be taken care of. So that will summarize the chapter. After that we will start solutions of triangle, which is also a kind of part of trigonometry only, but we study it little separately क्योंकि कुछ अलग एप्रोचेस उसमें एक्स्ट्रा से आती हैं, ठीक है? Yes. तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं सी के साथ माय सेल्फ अरविंद कालिया सर बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं. Yes. Knock knock कौन आया? भाई आया. <laughs> so अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो जैसा कि मैं कहता हूं सर्फर, स्क्रिबल यानी कि सब्सक्राइब क्योंकि अगर आप मिस कर दोगे तो बेटा फिर आगे आगे की पढ़ाई कैसे होगी की तैयारी कैसे होगी यहाँ पे आपको पूरा रेगुलर तैयारी करवाई जाती है जहां पे पूरा कोर्स चलता है फोर टू सिक्स पीएम के स्लॉट में डेली एक सेशन होता है करीबन दो घंटे का पूरा लेक्चर बाय लेक्चर चैप्टर कवर होता है एंड उसके बाद शाम को आठ बजे के स्लॉट में टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड पी वाई क्यू सेशन होते हैं एंड डोंट फॉरगेट सीबीटी मोड में टेस्ट होता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आफ्टर टू थ्री चैप्टर्स होता है राइट यस सो बेटा शुरू करें आज का सेशन फिर लव यू टू बेटा गॉड ब्लेस यू तो आओ आज का लेक्चर शुरू किया जाए लै भाई तो जैसे आपको यहां पे हम पढ़ाते हैं ऐसे ही मोर देन अ टीम ऑफ थाउजेंड पीपल टीच यू एट वेदांतु जो कि रीजन है बिहाइंड सच ग्रेट रिजल्ट्स ऑफ रिजल्ट टारगेट एक ही बेटा आप सबका रैंक भी ऐसा ही आना चाहिए दैट्स ऑल आई जस्ट वांट आप सभी ऐसे रैंक्स में आओ जब आपका प्लस टू खत्म हो 307 से ज्यादा बच्चों का 99 परसेंटाइल से ऊपर है और 18 बच्चों का 100 परसेंटाइल है एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट ओके सो जैसे वेदांतु कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर आप भी उसी तरह से पढ़ाई करो आप पे जितना एफर्ट टीचर लगाते हैं आप उससे डबल एफर्ट लगाओ जैसे वेदांतु में इज मोर देन अबाउट टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड कॉन्टेंट टीम जो टफ टफ कंसेप्ट को ईजी बनाती है आपके लिए मोर देन थ्री हंड्रेड अबाउट ऑपरेशन का टीम है जो कि आपके हर एक ग्रीवेंस का ध्यान रखती है किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए दे मेक श्योर सब कुछ सिस्टमेटिक रहे और इतनी बड़ी टेक टीम है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म को एक आइडेंटिफाइड एक पेटेंटेड प्लेटफॉर्म बनाती है जो कि सीमलेसली चलता है ताकि आपको बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो एग्जैक्टली गॉड ब्लेस यू जरूर मिलेंगे बेटा तो यहां पे आपको लाइव क्लासेस होती हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि सेल्फ डेवलप्ड है उसके पेटेंट वेदांतों के पास टॉप नॉच एक्सपीरियंस है प्लेटफॉर्म का जब पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा देन पोस्ट क्लास कंटेंट आपको हार्ड कॉपी में डिलीवर होता है सो so दैट आपकी सॉल्विंग आसान रहे फोर्थ नाइटली टेस्ट होते हैं ट्वेंटी फोर सेवन डाउट ऐप का एक्सेस मिल जाता है आपको एंड इन क्लास डू टीचर मॉडल रहता है एक पढ़ा रहे हैं साथ में बहुत सारे टीचर बैठ के आपके डाउट ले रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन में आप जब कोचिंग लोगे आपको पता लगेगा कि सर्टली डाउट पूछने में एक थोड़ा इनिबिशन एक प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ पे आपको कतई नहीं आने वाला क्योंकि बहुत सारे टीचर डेडिकेटेडली आपके डाउट लेने के लिए ही होते हैं क्लास में सो दैट आपका कोई डाउट रह ना जाए तो यहाँ मैंने इसकी डिटेलिंग दे दी है जो भी आप में से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहता है वृद्वातु का प्रॉपर इतना बड़े टीम का एक्सपीरियंस लेना चाहता है जो कि रीजन है बिहाइंड टॉप इंडिया लेवल के टॉप रिजल्ट्स का तो वो आपको यहां से मिल जाएगा राइट ये आपके मंथली चार्जेस है अगर आप मंथ ट्राई करना चाहते हो पहले और ये आपका फुल ईयर का फीस है अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ या इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सब्सक्रिप्शन चूज कर लेंगे लाइट क्लासिक या प्लस तो आपको कोचिंग पूरा पूरा वेदांत मिलेगा और आपके वो रिजल्ट्स आएंगे जो आपको चाहिए ठीक है तो चलो इसके बारे में सेशन कैन पे और डिटेल में बात करेंगे जिसका कोई डाउट होगा तो हम जरूर बताएंगे और उसके बाद फिर सेशन खत्म करेंगे और आज का सेशन अभी के अभी शुरू करेंगे चलो बेटा लेट स्टार्ट द सेशन इधर चला गया भैया इधर क्यों आ गए किसने कहा था इधर जाओ इधर आओ आ जाओ बेटा लो जी ऑल सेट शुरू करें हर्ष बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आप चाहे महाराष्ट्र बोर्ड से भी हो आप जेई की तैयारी करते जाइए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा ओके आपको कोचिंग अलग से पढ़नी पड़ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र का लोकल टेस्ट अलग रहता है मतलब लोकल जो उसके कॉलेजेज है तो उसका अलग से एडमिशन रहता है बट आप अगर जेई की तैयारी नॉर्मल करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा नहीं कि सिलेबस बिल्कुल ऐसे हैं ये नहीं है ओके ओके तो आ जाओ हाँ आई एम रियली सॉरी यार मैं पिछले टेस्ट का रिपोर्ट कैल को लेट ही नहीं कर पाया एक्चुअली आजकल जेई मेन का अनाउंसमेंट हो गया तो इतना बिजी हो गए उन बच्चों के साथ कि दिन रात उन्हीं में उलझे हुए हैं सो आई एम रियली सॉरी मैं आपको सी बी मोड का वो जो फाइनल रिज़ल्ट था इस बार भी दिखा नहीं पा रहा एंड uh, मेरी कोशिश थी कि आज मैं इंक्लूड कर देता इफ uh, आप एक मिनट को मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे अभी का अभी भी रिजल्ट अगर आ जाता है मैं एक अभी की मैसेज डाल रहा हूँ uh, ताकि अगर मुझे अभी का भी रिज़ल्ट आ जाए तो मैं अभी भी आपसे शेयर कर दूँगा मैम वो आपको जो रिजल्ट के बारे में कहा था इफ पॉसिबल आप मुझे इमीजिएटली शेयर कर सकते हो लो जी ठीक है ओके बेटा आ जाओ तो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं फटाफट से लो भाई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बेटा आप सारा फोकस यहां पे अब कोई और बात नहीं ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले अब ये क्या होते हैं देखो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में क्या था कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉज ऑफ ए प्लस बी कॉज ऑफ ए माइनस बी ऐसे हमने फॉर्मूले पढ़े जहां से फर्दर हमने डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले बनाए और उनको यूज किया ये क्या है ये दो कैटेगरी के फॉर्मूले होते हैं ट्रांसफॉमेशन फॉर्मूले दो तरह के होते हैं पहले एक को पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल देखेंगे पूरा कॉन्फिडेंस ले लेंगे फिर दूसरे को पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल करके कॉन्फिडेंस लेंगे ये रहा पहला कैटेगरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इन टू प्रोडक्ट ओके okay. तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सम या डिफरेंस है सम या डिफरेंस है और राइट हैंड साइड पर देखो प्रोडक्ट आ रहा है इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस इन टू प्रोडक्ट अब मुद्दा क्या है मुद्दा यह है कि पहली बात ये फॉर्मुले याद करने में थोड़ा टाइम लगता है दूसरा अगर ये याद कर भी लिया प्रॉब्लम आती बच्चों को यही समझ नहीं आता यूज कब करना है कैसे करना है मैं आपको एक चीज बताऊंगा अगर आपने वो चीज पल्ले बांध ली आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली ये आइडेंटिफाई करने में कि कैसे अप्लाई करना है कहाँ अप्लाई करना है कब अप्लाई करना है तो ध्यान से सुनना ओके okay, सो so हमने ये फॉर्मले देखे क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी जो इसके बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉ सी माइनस डी बाई टू होता होगा बराबर हमने याद कर लिया वेरी गुड साइन सी माइनस साइन डी इसके बराबर होता है कॉ सी प्लस कॉस डी इसके बराबर ठीक है सर याद कर लेंगे कर लिया याद बट यूज कैसे करना है अच्छा एक तरीका तो क्या है कि मैं आपको रटवा दूं मैं एक सवाल रटवाने के तरीके से भी करवा रहा हूं सो so दैट जब मैं आपको बाद में बताऊं तरीका तो आप कर पाओ अच्छा असली तरीका यह है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये क्वेश्चन देखो मान लो मैं आपको कोई कुछ ना बताऊं कि इसको कैसे एक मिनट को चल बेटा क्या हो गया तेरे को हाँ कि इसको कैसे समझना है कैसे याद करना है कुछ ना बताऊं बस एक फॉर्मूला की लिस्ट दे दूं और यहां पे अप्लाई करके दिखाऊं देखो क्या आता है दिमाग में आओ फिर दूसरा मैं आपको तरीका बताऊंगा फिर सोल्यूशन सेम करवाऊंगा तुमको नजारे आ जाएंगे तो मैंने कहा सर अभी रट्टा की अप्रोच रट्टा कहता है कि सर जी मैंने यहां पे लगा दिया फार्मूला क्यों लगाया मुझे नहीं पता मैं तो कह रहा हूं मैं रटा रहा हूं पहले लगा दिया फार्मूला कॉज ए प्लस कॉज बी फार्मूला कहता है कॉज ए प्लस कॉज बी इज टू कॉज सी प्लस डी बाई टू कॉज सी माइनस डी बाई टू ठीक है लगा दिया फार्मूला रट्टा मारा मैंने तो टू कॉज ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू लगा दिया इक्वल टू हाफ क्यों लगाया मैं नहीं बता रहा हम तो रट रहे हैं पहले फिर यहां पे लगा दिया साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला कहता है इट इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू इक्वल टू वन बाय फोर अगेन यह फॉर्मूला कहता है साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू मैंने लगा दिया क्यों लगाया मोटिवेशन क्या थी मैंने कुछ नहीं बताया अभी बताऊंगा ठंड रखो ठीक है बताता हूं ठंड रखो ओके okay. अब मैंने क्या किया इनको डिवाइड किया मुझे टेन चाहिए था मैंने डिवाइड कर दिया टू डिवाइड बाय वन जब मैं डिवाइड करूंगा टू डिवाइड बाय वन तो कॉज ए माइनस तो कट जाएगा ए माइनस बी टू यहां से आएगा टेन तो टेन ऑफ प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू वन बाय फोर डिवाइड बाई वन बाई टू तो ये बन गया कुछ कुछ वन बाय टू आंसर आ गया हाफ तुम मानते हो सच फॉर्मूला रटा है ये लगाया है तो ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो समझ में नहीं आएगा बट ये करने के पीछे मोटिवेशन क्या थी कैसे मुझे पता लगा कि मैं ये फॉर्मूला यहां पे लगाऊं तो मुझे फायदा होगा ये हमने सीखा ही नहीं अभी तक तो आओ ये बताता हूं कि कैसे पता लगा कि ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था और लगा के बात बननी थी आओ यहां पे राज सारा। इन फॉर्मूला को आप इन फॉर्मूले को आपने याद कैसे करना है या कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्मूला यूज करके फायदा होगा जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं इनिशियल एंगल्स क्या है इनिशियल एंगल्स क्या है बेटा C है एंड D है डू यू एग्री इनिशियल एंगल C है और D है और फॉर्मूला के बाद फाइनल एंगल्स क्या बन रहे हैं C प्लस डी बाई टू एंड C माइनस डी बाई टू डू यू ऑल एग्री डू यू ऑल एग्री इनिशियल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में एंगल है C और D और राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लगाने के बाद एंगल है C प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाय टू जब भी आपको लगे कि ये वाले एंगल सुंदर हैं तो इस फॉर्मूला को लगाने की सोचना है आपने अब जरा पढ़ो डोंट यू थिंक सी प्लस डी बाय टू अच्छा है बिकॉज दैट इज वट ही इज आस्किंग यू तो आपके पास सी बैठा है डी बैठा है सी प्लस डी बाय टू चाहिए ये मेरी मोटिवेशन थी यहां पे वो रूल लगाने की या फॉर्मूला लगाने की आया समझ तो आपने इसमें नए वाले एंगल जो है ना वो आपका मोटिवेशन रहेगा आओ सवालों में देखें जब मैंने ये सवाल देखा प्रूव दैट दिस इज जीरो मैंने देखा यार एडिशन है एंगल तो ए एंगल एक भी अच्छा नहीं है एडिशन में है और एंगल एक भी अच्छा नहीं है अगर मैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा मेरे नए एंगल क्या बनेंगे भाड़ में गया कि कॉस आएगा साइन आएगा भाड़ में गया एंगल क्या बनेंगे मेरे नए एंगल बनेंगे 55 फाइव प्लस सिक्सटी फाइव बाई टू एंड फिफ्टी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव बाई टू यही बनेंगे मेरे नए एंगल अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूं हां सर डू यू एग्री ये जो आ रहा है 120 ट्वेंटी बाई टू सिक्सटी इज अ गुड एंगल यहां पे जो एंगल आ रहा है ये बन गया माइनस फाइव अच्छा तो नहीं है बट डू यू एग्री 175 के साथ चांसेस है कि कुछ जुड़ जाएगा कट पिट जाएगा 5 जो है 175 का सप्लीमेंट्री है तो अपने आप में स्टैंडर्ड एंगल नहीं बट इसके रिस्पेक्ट में अच्छा तो है। हेंस मैंने डिसाइड किया आई विल ट्राई कन्वर्टिंग दैम इन टू प्रोडक्ट यूजिंग फॉर्मुले एंड सी वट हैपन्स तो आओ लगाए फॉर्मूला इन दोनों पे लगाया फॉर्मूला बेटा आजा बेटा आजा इन दोनों पे लगाया फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू एक बार बताओ सी माइनस डी बाई टू बनता है माइनस फाइव बट मैं लिख रहा हूं फाइव किसी को दिक्कत है किसी को दिक्कत है बताओ यह बनता है कॉज ऑफ माइनस फाइव मैंने लिखा कॉज ऑफ फाइव किसी को दिक्कत वेरी गुड नो सर कॉज ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉज थीटा तो so, कोई दिक्कत नहीं सर नॉट एट ऑल एग्जैक्टली तो बेटा देखो टू इंटू कॉस वन ट्वेंटी टू इंटू माइनस हाफ राइट ओए वन ट्वेंटी बाय टू सिक्सटी आना था सिक्सटी सिक्सटी ओ सॉरी सॉरी थैंक यू थैंक यू बेटा सिक्सटी सिक्सटी तो टू इंटू हाफ इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस वन फाइव अब मुझे बताओ ये तो कटा इसके साथ किसी को दिक्कत है अगर मैं कॉस फाइव को कॉस वन सेवनटी फाइव से काट दो किसी को दिक्कत बोलो नो सर सप्लीमेंट्री एंगल पे कॉस आपस में नेगेटिव होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे कॉस आपस में नेगेटिव होते हैं एग्जैक्टली exactly. तुम देख रहे हो ये छोटे छोटे पॉइंट आपकी सॉल्विंग में कितनी स्पीड बढ़ाते हैं जगह जगह पे आपको कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने ओरली उनको समझ लिया है एग्जैक्टली exactly. अगला क्वेश्चन देखो ये सवाल मेरे सामने आया मुझे एक चीज तो दिखी कि मुझे इनको जोड़कर एक में लेके जाना है मेरे दिमाग में दो आ आ रही रही हैं ध्यान सुनना दोनों बताऊंगा दो अप्रोच हैं एक नहीं आ रही सबसे पहले तुम बताओ किसके दिमाग में वो अप्रोच आ रही है सर जी ये तो A -Cos plus B बन गया कितनों को आ रहा है ओके फर्स्ट मार्शन कितनों को समझ आ रहा है सर जी तो एक कॉस प्लस बी साइन है ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इसको वहां से कर सकते हैं प्योर मोटिवेशन है वहां से करने की क्योंकि मुझे इसको जोड़कर अकेले साइन में लेके आना है अकेले साइन में लेके आना है डू यू ऑल एग्री लास्ट क्लास का क्वेश्चन हो गया तो वो आपका होमवर्क क्योंकि ये तो लास्ट क्लास में सीख लिया था तो ये आपने रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आपने करना है तो अब करते हैं आज वाला मेथड जो हम आज पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा यार ये कॉस है ये साइन है अगर मैं इसको भी कॉस में लिख दूं अगर लिख दूं कॉस 18 माइनस कॉस 72 लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे साइन 18 साइन कॉस 72 बन गया अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखो ए सी प्लस डी बाई टू बनता है 45 डिग्री देखो 18 प्लस सेवनटी टू बाई टू इज फोर्टी डिग्री बड़ा खूबसूरत है वेरी वेरी ब्यूटीफुल और दूसरा क्या बनता है 18 माइनस सेवन टू बाई टू यह भी खूबसूरत है देख पा रहे हो 27 बन रहा है और 27 मेरे को रिक्वायर्ड है 27 मेरे को रिक्वायर्ड है है इसलिए खूबसूरत तो कितने बच्चों को मोटिवेशन समझ आ गया कि अच्छा ऐसे लगाते हैं फॉर्मूलाई है। तब पत, ऐसे पता लगता है कि फॉर्मूला हेल्प करेगा तो लगा दिया फॉर्मुला कॉस सी माइनस कॉस डी का वेरी गुड तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाय टू ट्वेंटी सेवन फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा आज तो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज ये याद कर लो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाय टू ठीक है आज मैं दिखा रहा हूं धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा वेरी गुड तो खत्म हो गए तो कंसेप्ट तो समझ आ गया अब तो थोड़ी प्रैक्टिस बची है अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं आ जाओ बेटा ये देखो सवाल यहां पे आओ मुझे प्रूव करना है कि ये बड़ा सा एक्सप्रेशन जो है इसके बराबर है यहां पे मुझे एक चीज तो पक्की सी क्लियर है देखते ही क्लियर हो जानी चाहिए हो ना हो मेरे को इसको ना जोड़ना चाहिए मैंने इसे जोड़ना आई मीन प्रोडक्ट में लिखना चाहिए और नीचे भी प्रोडक्ट में लिखना चाहिए ताकि कुछ कटे और फाइनल आंसर सिर्फ एक टर्म आ जाए डू यू ऑल एग्री ये फीलिंग तो पहले ही आनी चाहिए अब फॉर्मुले में तो जा ही नहीं रहा ये यह एग्री करते हो इसको कुछ प्रोडक्ट में लिखना चाहिए इसको प्रोडक्ट में कुछ काटा पीटी हो जाए और एक टर्म बच जाए ये फीलिंग पहले आ रही है अब बात है कि प्रोडक्ट में कैसे लिखें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला जो है दो टर्म्स पे लगता है ऊपर तो तीन तीन टर्म्स है अब या तो मैं लगाऊं इन दोनों पे फॉर्मूला या मैं लगाऊं इन दोनों पे फॉर्मूला और या मैं लगाऊं इन दोनों पे फॉर्मूला फॉर्मूला लगना तो दो पे है तो पॉइंट इज न्यूमरेटर में किन दो पे फॉर्मूला लगाना चाहोगे मैंने क्या बताया था सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू जिसकी अच्छे लगने उस पे लगाओ अगर तुम इस पर लगाओगे तुम्हारे नए एंगल क्या बनेंगे इन पे सर जी फाइव एक्स बाय टू और x बाय टू दोनों ही बदसूरत हैं माशाल्लाह इतने बदसूरत है दिल ही नहीं करा देखने को बट अगर तुम इस पे और इस पे लगाओ एंगल क्या बनते हैं सर जी थ्री एक्स और एक्स टू एक्स प्लस फोर एक्स बायू टू एक्स तो माइनस फोर एक्स इट इज बट फर्स्ट और लास्ट पे लगाएंगे तो मैंने टू प्लस फोर को एक साथ रखा ऐसे और इसको अलग कर दिया इसके बाद जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे नीचे भी सेम जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा क्योंकि सवाल अगले स्टेप में खत्म है अगले स्टेप में सवाल खत्म क्यों कितनों को दिख रहा है यार यहां पे ना एक टर्म तो थ्री एक्स की बनेगी फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा टू साइन साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू आज मैं बताता जा रहा हूं आपको अगले सेशन से पहले अच्छे से याद कर लेने प्रैक्टिस कर करके तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी टू ऊपर देखो साइन थ्री एक्स ना कॉमन आ रहा है नीचे आओ कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू नीचे देखो कॉस कॉमन आ रहा है, जैसे ही न्यूमरेटर में साइन थ्री एक्स कॉमन निकालोगे डिनोमिनेटर में कॉस थ्री एक्स कॉमन निकालोगे जो बच रहा है ब्रैकेट के अंदर वो सेम है कट कट यही तो आपको चाहिए था आगे नजारे कैंड राइट right? तो इट्स ऑल अबाउट सी प्लस डी बाय टू सी माइनस डी बाय टू जहां भी ये अच्छा होता है ना वहां पे ये फॉर्मूला लगाया जाता है बहुत बढ़िया अब यहां देखो यहां पे सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू मे नॉट बी अ गुड मोटिवेशन बट तुम्हें नहीं लगता उसने खुद से तुमको पैकिंग करके दी है कि बेटा जी इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो 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 सब कुछ कटना चाहिए आंसर बनना आना चाहिए यहां तो वो खुद कह रहा भाई लगा दे फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इससे अगला क्या चिल्ला है राइट right? सो so बस यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है ठीक है ये मैंने सवाल आपके लिए से रखा है सिर्फ फॉर्मूला लगाओ सब कट जाएगा आंसर आ जाएगा आइडिया क्लियर हो गया खत्म सवाल एग्जैक्ट तो जैसे ही फॉर्मूले लगाओगे ये सारे आपस में ये कटा इसके साथ ये कटा इसके साथ ये कटा इसके साथ ये कटा इस सारे आपस में कट जाएंगे तो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए आपके सवाल दिया था कि सारे फॉर्मूले एक जगह लगा दो एग्जैक्टली exactly. थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन करते हैं क्या मुझे बताने की जरूरत है कि आप न्यूमरेटर में किन दो को जोड़ने वाले हो टेलमी इन द चैट डू आई नीड टू टेल यू न्यूमरेटर में किन दो को जोड़ना चाहिए टेलमी ना सर जी ना पाप हो जाएगा सर जी इसको जोड़ेंगे इसके साथ और अगर मतलब सोए सोए भी जोड़ देंगे हमें पता ही है एक तो वैसे ही अच्छा एंगल बनता है थ्री एक्स और एक्स थ्री एक्स और टू एक्स और थ्री एक्स यहां बैठा भी हुआ है तो बहुत चांसेस है कुछ कॉमन कॉमन आ जाएगा तो आ जाओ इन दोनों पे लगाएं साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाकी क्या बचा माइनस टू साइन थ्री एक्स एक बार चैट में लिख दो सर जी इन फॉर्मूले से बोर हो गए लिख दो चैट में सर जी इस फॉर्मूले से बोर हो गए अब टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाय टू माइनस टू एक्स बोल दो चैट में सर जी इन फॉर्मूले से बोर हो गए अच्छे से रट गया ये फॉर्मुला कब लगाते हैं कैसे लगाते हैं किन दो टर्म्स पे लगाते हैं बोल दो बोल दो तुम बोलोगे तो फिर मैं अगले फॉर्मूले पे जाऊंगा बोर हो गए शाबाश <laughs> साइन थ्री एक्स कॉमन आज सवाल खत्म है टू साइन थ्री एक्स कॉमन अंदर बच गया टू, एक्स, नीचे टू साइन थ्री एक्स बैठा ही हुआ है ये बन गया माइनस साइन टू एक्स ये पूरा कट गया बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा याद है कुछ ये सिंप्लीफिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये माइनस है यहां ले जाता हूं वन माइनस कॉज टू एक्स कितने बच्चे ओरली ओरली कह रहा हूं बिना लिखे इस एक्सप्रेशन को सीधे टेन एक्स लिख सकते हैं चैट बताओ मेरे को कितने बच्चे ओरली ओरली दिमाग में करके वन माइनस कॉज टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स को टेन एक्स लिख सकते हैं शाबाश शाबाश हाँ लास्ट जब हम कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल पढ़ रहे थे लास्ट लास्ट सेशन में यही चीज हमने पी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्लें हैं क्योंकि यहां मुझे एक चीज और रिवाइज करानी है अपार्ट फ्रॉम दूला कोई बताएगा मैं यहां पे क्या रिवाइज कराना चाहता हूं इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है क्वेश्चन है कि साइन थी एन साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा गिवन है और मेरे को टेन ऑफ थीटा प्लस अल्फा पूछा गया है पूछा क्या गया है? भाड़ में गया ऑप्शन पे चेक करो गल जा रहे हो पूछा क्या गया भाड़ में गया ऑप्शन देखो क्या ऑप्शन से कुछ हिंट लग रहा है वेरी गुड अब सही जा रहे हो ऑप्शन से देखो कुछ हिंट लग रहा है कि क्या करना होगा हां सर ऑप्शन से हिंट लग रहा है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया होगा वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन कंपोनेटो डिविडेंडो की फील आनी चाहिए थी आपको तो यहां पे क्या करो गिवन इक्वेशन में एन को एक साइड पे रख लो साइन ऑफ थीटा प्लस अपॉन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू वन बाई एन और यहां पे आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देना चाहिए बस यही इस सवाल का पर्पज था ये हमने सेकेंड लेक्चर में भी सीखा था कि जहां भी ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं C प्लस डी सी माइनस डी तो वहां पे कंपोनेंट और डिविडेंडो आपको दिखना चाहिए M प्लस एन डिवाइड बाई एम माइनस एन वन प्लस एन डिवाइड बाई वन माइनस एन ऐसे एक्सप्रेशन जहां भी आते हैं बेटा कंपोनेंट और डिविडेंडो ही लगता है ठीक डोंट वरी देते हैं थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक राइट right? तो बेटा जी लगा दो तो कंपोनेंट और डिविडेंडो तो साइन थीटा प्लस टू अल्फा वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस टू अल्फा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन अब देखो या तो वैसे यहां पे जाके कोई और हेल्प चाहिए नहीं मुझे वैसे ही पता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे बट अगर नहीं भी पता हो तो क्या तुम सी प्लस एंगल एंगल पे जाओ एंगल पे तुम देख पा रहे हो सी प्लस डी बाय टू क्या बनता है देखो सी प्लस डी बाई टू क्या बन रहा है थीटा प्लस अल्फा एंड दैट इज एग्जैक्टली एक्जैक्टली यू रिक्वायर तो भयंकर मोटिवेशन है भाई यहां पे कंपोनेंट और क्या कहते हैं सी एंड ट्रांसमिशन फार्मूला लगाओ ट्रांसमेशन फॉर्मूला लगाओ भयंकर मोटिवेशन है यहां पे एग्जैक्टली exactly. तो लगा दिया फॉर्मूला बस आगे तो खत्म कट जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाय टू नीचे आ गया टू कॉस ये फॉर्मूले आज मैं लगा रहा हूं अगली क्लास में याद होने चाहिए ओके okay? साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाय टू और आपका सवाल हो गया बेटा खत्म कट कट ये बन गया टेन थीटा प्लस अल्फा जो पूछा गया है ये बना कॉट अल्फा उसको उधर ले जाओ यस और नो तो इधर आ गया टेन थीटा प्लस अल्फा ये जो कॉट अल्फा है इसको इधर लेके गए नीचे गया कॉट अल्फा वो क्या बन गया वन बाय अल्फा यानी कि टेन अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन टेन अल्फा तो दिस इज योर आंसर एक बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है मेरे माइक्रो कोर्स के बारे में बेटा मैंने वो बताया था ना ये जय मेन की डेट अनाउंस हो गई तो अभी सारा थोड़ा टाइम पूरा जेई 2021 के बच्चों के और लगा हुआ है वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि आपके रेगुलर सेशंस हम कैंसिल ना करें हालांकि बीच में कोई को एक दो बार करना पड़ा कैंसिल क्योंकि आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्योंकि आपके जो सुपर सीनियर्स हैं इस समय उनका बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है सो so, सारा एनर्जी वहाँ पर लगा हुआ है सो जस्ट कोऑपरेट लिटल बिट एक बार ये जेई मेन खत्म हो जाए जो मेरे माइक्रो कोर्सेज हैं वो प्लैंड हैं मैं आपको uh, बता देता हूँ कि वो टॉपिक क्या है पर वो शुरू करूँगा मैं जेई मेन के बाद ठीक है आजकल तो जान के शुरू नहीं कर रहा क्योंकि फिर वो मैनेज नहीं हो पाएगा जे डी ट्वेंटी के बच्चों का इस समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है राइट right? सो so, उनका बता देता हूँ जो आपका माइक्रो कोर्स अगला आ रहा है मेरा उसमें मैं दो कर रहा हूँ एक है आपके साथ डिस्कशन वाला सेशन कि हाउ टू मैनेज इलेवेंथ फ्रॉम नाउ ठीक है वेदर यू आर डूइंग गुड और यू हैव डन सम बैड और मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है बैकलॉग आ गया है इन वट एवर सिचुएशन अभी से आगे कैसे मैनेज करना चाहिए एक तो ये डिस्कशन सेशन रख रहा हूं माइक्रो में दूसरा मैं रख रहा हूं अल्जैबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू अल्जैबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू वो आ रहे हैं दो माइक्रो आ रहे हैं आ जाओ बेटा तो इस पर शुरू करते हैं आगे अगला सवाल देखो मेरा ये सवाल मैंने क्यों रखा क्योंकि ये सवाल वो है जहां पे थोड़ा सा आपको सीधे रास्ते से मुड़ना पड़ जाएगा आप इसको बड़े कॉन्फिडेंस से शुरू करेंगे और आपको बीच में जाके रियलाइज होगा शिट तो बात ही नहीं बन रही। वहां पे आपको थोड़ा है, है ट्रांसमिशन फॉर्म लगाएंगे ये टर्म क्रिएट हो जाएगा बात बन जाएगी बिल्कुल सही सोचा आपने शुरू कर दिया सर जी साइन एक्स प्लस साइन वाई को कन्वर्ट किया प्रोडक्ट में टू साइन सी प्लस डी बाई टू वेरी गुड बेटा बिल्कुल सही किया इसको किया इसको प्रोडक्ट में क्रिएट कर पा रहे हो देखो जरा नोप nope. लग गई लंका बेटा क्रिएट ही नहीं हो रहा हमने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन किया वहां पे प्लस था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया यहां प्लस था तो हमने इसको डिवाइड किया था और टेन एक्स प्लस वाई बाई टू क्रिएट हो गया था यहां पर तोते उड़ गए अगर मैं टेन क्रिएट करने के लिए डिवाइड करता हूं तो बेटा ये टर्म तो कट ही गया और मेरे पास टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू आ रहा है क्वेश्चन का पर्पज क्लियर क्वेश्चन का पर्पज क्लियर हो गया आप सीधे रास्ते जा रहे थे सही रास्ते जा रहे थे फंस गए टी पॉइंट आ गया नाउ एक क्रिटिकल थॉट आपको यहां पर चाहिए होगा आओ वो थॉट सिखाता हूं तुमको अभी जो मैं करने हूं पहली बार आपको अजीब लगेगा बट इस स्टेप को जो मैं करने हूं दिमाग में बिठा लो ये बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसी सिचुएशन में सुनो इसको वन मानो इसको टू मानो स्क्वेरिंग एंड एडिंग कर दो स्क्वेरिंग एंड एडिंग स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सुनना ध्यान से स्क्वेयर क्या बना बेटा फोर साइन स्क्वायर कॉ स्क्वेयर यहां बना फोर कॉ स्क्वायर कॉ स्क्वायर डू यू सी दैट फोर कॉज स्क्र एक्स माइनस वाई बाय टू कॉमन आ जाएगा डू यू सी दैट फोर दोनों में आएगा कॉ स्क्वेयर दोनों में आएगा ये बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस कॉ स्क्र एक्स वाई बाई टू ये अंदर बच गया बोलो कितनों को नजारे आ गए बेटा सवाल खत्म हो गया वाई क्योंकि मेरे को पता है कि ये पूरी चीज तो वन होती है ये पूरी चीज तो वन होती है तो मेरे पास कॉ स्क्र की वैल्यू आ गई कॉ स्क्र एक्स माइनस वाई बाय टू की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ये वाला स्टेप अभी बिगनिंग के लिए आपको अजीब लगेगा बट एक बार उसको पी जाओगे कुछ जगह फिर से यूज करूंगा फिर आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में ना ये बड़ा हेल्प करता है ओके okay, तो इसको पी जाना है अब आओ सर जी अभी तो कॉज स्क्वेयेर आया मेरे पास मेरे को जो पूछा गया है वो तो टैन है अब कॉज स्क्वेयर से टैन तक पहुँचना पड़ेगा सर जी लंबा काम है वो लंबा काम नहीं है और यहाँ पर ट्रेंगल बनाने की जरूरत भी नहीं है ट्रेंगल बनाने मत बैठ जाना अगर बेटा कॉज स्क्र आ गया तो सीकेंड स्क्वेयर मिल गया हाँ जी सर सीकेंड स्क्वेयर तो ऐसी प्रोकली होता है कॉज स्क्र का और बेटा अगर सीकेंड स्क्र आ गया तो क्या तुमको tan निकालने के लिए पड़ोसियों की मदद चाहिए होगी जरा बताइए मेरे को अगर सीकेंड स्क्र आ गया तो क्या tan निकालने के लिए पड़ोसियों की मदद चाहिए होगी बताओ बिल्कुल नहीं सर हां कालिया सर की मदद जरूर चाहिए होगी थोड़ी सी पर यहां तो नहीं चाहिए ठीक है तो बस सीकेंड स्क्र को लिख देंगे वन प्लस टैन स्क्वेयर की वैल्यू आ गई एक्जैक्टली exactly. तो जैसे ही आपका सीक्वेंट स्क्र आएगा सीक्वेंट स्क्र को लिख देंगे वन प्लस टेन स्कोर वहां से टेन स्क्र की वैल्यू और टेन स्कोर से टेन की वैल्यू दो आंसर आ गए बहुत बढ़िया टू गुड तो ये एक अच्छी स्किल सीखी आपने इसको अच्छे से आपने समझना है और ये रहा लास्ट क्वेश्चन सर आपने लास्ट लास्ट करते करते इसके इस फॉर्मूले में कितने क्वेश्चन करा दिए बट डोंट यू थिंक पहले तीन चार क्वेश्चन में आपने बस ये देखा कि फॉर्मूला कब लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है उसके अगले हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा स्किल यूज़ कर रहे हो लास्ट टू तो लास्ट में आपने कम्पोनेटो डिविडेंडो यूज़ किया लास्ट क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला एक बहुत प्यारा स्टेप यूज़ किया आओ देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा क्या यूज़ करना है कहता कुछ तो दे दिया बेचारे ने बहुत ही बड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है कुछ तो लिख लेते हैं कुछ ऐसे लो जी ये गिवन है मेरे को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन और प्रूव करना है हैट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इजल टू तो कॉट डेल्टा कैसे करेंगे अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना होता मैं कैसे करता सुनो मेरी बात अगर मैं एक बिगिनर स्टूडेंट हूं बिगिनर मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा सर जी इसको ओपन कर देते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बेटा ओपन तो कर देंगे मोटिवेशन भी समझ आती है कि मेरे को ना अल्फा अलग चाहिए बीटा अलग चाहिए गामा अलग चाहिए अलग अलग चाहिए ठीक है बट बेटा डोंट यू सी ये इससे मल्टीप्लाइड है इसको ओपन करो साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉज गामा साइन डेल्टा फिर मल्टीप्लाई करो रात पड़ जाएगी बेटा रात पड़ जाएगी और रात तो नहीं डालनी अभी के अभी सवाल ख़त्म करना है तो आओ सीखो इसमें क्या करना चाहिए आपको जब भी ऐसा कुछ आ जाए बहुत सारे एंगल एक साइड पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों साइड बैठे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों साइड बैठे हैं तो सबसे पहले कोशिश करो कि अलग अलग कर दो अलग-अलग कर दो एक साइड पर कम एंगल्स को रखो ताकि उनको सिंपलीफाई करना आसान हो जाए जैसे कि पूरा अल्फा बीटा एक साइड पर कर दो पूरा अल्फा बीटा एक साइड पर कर दो डू यू एग्री अब इसको देखना कंपैरेटिवली आसान है कंपैरेटिवली आसान है एटलीस्ट एक साइड पे दो ही एंगल है इधर अल्फा बीटा ही है इधर गामा डेल्टा ही है देखना आसान है तो कभी भी बहुत सारे एंगल्स को एक साथ मत रखो उनको डील करना मुश्किल हो जाता है ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी जब सॉल्विंग करोगे ट्रिग्नोमेट्री में यही चीजें जो आपने सीखनी होती हैं क्वेश्चन शुरू कैसे करना है राइट ग्रेट सो आपने अल्फा बीटा एक साथ रख दिया गामा डेल्टा एक साथ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके आगे क्या करना चाहिए देखो मोटिवेशन तो नहीं पता पर एक बात तो मानते हो तुम्हारे दिमाग में चीज आ रही होगी इसको देख के कि क्या करना चाहिए क्या आ रहा है दिमाग में जरा बताओ वैसे तो मोटिवेशन भी है बट मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता एक चीज तो दिमाग में आ रही होगी डिविडेंडो वेरी गुड यहां पे कंपोडेंट और डिविडेंडो दिमाग में आना ही चाहिए था हंड्रेड परसेंट आना चाहिए था क्यों क्योंकि जब मैं कंपोन्डेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगते हुए दिख रहे हैं और वहां पे जो नए एंगल बन रहे हैं वो अल्फा बीटा अलग अलग बन रहे हैं देखो देखो जरा नए एंगल क्या बनेंगे जब तुम फॉर्मूला लगाओगे ट्रांसफॉर्मेशन का सिर्फ एंगल देखो टर्म छोड़ो एंगल देखो सिर्फ एंगल देखो एंगल ही मोटिवेशन होती है यहां पे नया एंगल क्या बनेगा बेटा नया एंगल क्या बनेगा C प्लस डी बाय टू अल्फा बनेगा C माइनस डी बाय टू बीटा बनेगा डोंट यू एग्री यही तो एंगल है जो हमको चाहिए थे आ गया मजा पॉइंट समझ आया तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी भी आप जो समझते हैं रट्टे वाली वैसा नहीं है नो no डाउट कुछ जगह पे ऐसी आएंगी जो बिगिनिंग में थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी बट अगर आप फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका समझ जाते हो कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है इसमें याद क्या रखना होता है तो काफी चीजें रट्टे से लॉजिकल बन जाती हैं बहुत बढ़िया तो अब बस फॉर्मूला लगाओ सवाल खत्म फॉर्मूला लगाओ सवाल खत्म कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू यहां माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेक्स्ट क्लास तक तुम याद करके आओगे अच्छे से ओके okay? ऐसे इधर लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस माइनस डी बाई टू और नीचे लगा दिया अब देखो वो सारे टर्म बन गए जो तुमको चाहिए थे बेटा माइनस सारे ये बना कॉट अल्फा ये बना कॉट बीटा ये बना टेन गामा ये बना कॉट डेल्टा वही टर्म्स आपको चाहिए सारे के सारे सारे के सारे टर्म्स रेडी सो so, इस क्वेश्चन को आपने रिपीट जरूर करना है जरूर मतलब जरूर बहुत प्यारा सवाल बहुत सारी चीजें यूज करवाई और नजारेदार क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly. बेटा वो हाँ बिल्कुल ये जो टैन गामा है उधर जाके कॉट गामा बन जाएगा ना ये टैन गामा इधर जाके कॉट गामा टैन गामा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो वन बाई टैन गामा बन जाएगा कॉट गामा ठीक है एक exactly. एग्जैक्टली अब आगे दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जरा इनको ऑब्जर्व करो इसमें एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस प्रोडक्ट से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जा रहे हो एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस तो पिछले सवालों में पिछले जो फॉर्मूले थे वहां पे हम सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखते थे बट हमने लगाने का जो अप्रोच सीखा वो ये सीखा कि नए एंगल क्या है इसको दिमाग में रखो सी प्लस डी बाय टू सी माइनस डी टू अगर वो अच्छे हैं तो लगाओ इसमें भी कुछ ऐसा ही है प्रोडक्ट जो है ये सम या डिफरेंस में जाएगा बट देखना क्या है नए एंगल खूबसूरत होने चाहिए एंगल खूबसूरत होने चाहिए गॉड ब्लेस यू बेटा तो यहां पे नए एंगल क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी इधर एंगल ए और बी है और इधर एंगल ए प्लस बी ए माइनस बी है तो जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी अच्छा होगा तो इसको लगाना हम प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा होता क्या है प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में आ जाते हैं तो आओ अब इनके कुछ सवाल देख लेते हैं सब छोड़ो टू साइन है साइन बी लिखा है नो no डाउट मैं ना भी बताऊं तो भी तुम इसको लिखने वाले हो फॉर्मूले से क्योंकि रेडीमेड फॉर्मूला की शक्ल यहां बैठी हुई है टू साइन है साइन बी रेडीमेड शक्ल बैठी है बट थोड़ी देर के लिए रेडीमेड शक्ल को हटाओ जो कंसेप्ट बताया वो देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या खूबसूरत है देखो सर जी ए प्लस बी बनता है सिक्स पाई बाय ट्वेल्व विच इज पाई बाय टू बहुत खूबसूरत सर जी ए माइनस बी बनता है फोर पाई बाय ट्वेल्व पाई बाय थ्री और भी खूबसूरत तो दिस विल बी माई मोर मोटिवेशन मतलब बेटर मोटिवेशन टू यूज फॉर्मूला ओके सो फॉर्मूला आ गया कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी सो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी तो दिस इज हाफ दिस इज जीरो क्वेश्चन डन ये मोटिवेशन रखना है आपने दिस इज अ मोटिवेशन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड आओ यहां पे सेम मोटिवेशन डू यू एग्री सेम मोटिवेशन है ये भी मैंने एंगल भी सेम लिए हैं सिर्फ फॉर्मूले में कॉस कॉस डाल दिया साइन की जगह पे अब तो टू कॉज ए कॉज बी एंड ए प्लस बी बहुत अच्छा है ए माइनस बी बहुत अच्छा है डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और सवाल हो जाएगा फिर से खत्म एग्जैक्टली exactly. तो आओ अब थोड़ा सा हम अच्छे सवाल की ओर बढ़ते हैं यह सवाल कुछ ऐसा सवाल आ गया सबसे पहला थॉट जो बिगिनिंग बच्चे के आता है जब उसको फॉर्मूले भी अच्छे से याद नहीं होते ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती पहला थॉट आता है सर जी इस पूरे को ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में अगर ये भी प्रोडक्ट में आएगा यह भी प्रोडक्ट में आएगा ना चीजें कट पिट जाएंगी और सिंगल टर्म मेरे को मिल जाएगा बट बेटा क्या मैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं जरा बताओ क्या इस पूरे को और इस पूरे को आपस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसको प्रोडक्ट में लिख सकता हूं भैया यहां पे दो का प्रोडक्ट दो का प्रोडक्ट उसको फर्दर प्रोडक्ट में लिखने का कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास तो उसको तो पहले आइडिया को बाहर फेंको अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं ओके okay. फिर मैंने सोचा एक बार ना चेक कर लेता हूं तो क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट बैठे हुए हैं प्रोडक्ट बैठे हुए हैं तो एक बार ना ए प्लस बी ए माइनस बी चेक कर लेता हूं खूबसूरत आ रहे हैं क्या अगर आ रहे हुए तो वो फॉर्मूला लगा देंगे आओ देखे क्या क्या आ रहा है यहां पे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या आ रहे हैं ए प्लस बी आता है थर्टीन थीटा ए माइनस बी आता है थ्री थीटा ओके यहां पे क्या आ रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी सर जी ट्वेंटी वेल खूबसूरत दिख रही है बेटा एक तो एंगल अच्छे अच्छे हैं मतलब फ्रैक्शन नहीं आ रही थ्री थीटा थ्री थीटा दोनों में आ रहा है यहां पर क्या क्या आ रहा है थर्टीन थीटा थ्री थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी ट्वेंटी वन थीटा थ्री थीटा डू यू एग्री ए प्लस बी और ए माइनस बी जो आ रहे हैं दो चीजें बहुत अच्छी हैं नंबर वन कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा नंबर टू एक ऐसा है जो दोनों में है तो मेरे अंदर से एक उम्मीद जाग रही है सुनो ध्यान से मेरे अंदर उम्मीद जाग रही है कि इसको सम डिफरेंस में तोड़ता हूं इसको सम डिफरेंस में तोड़ता हूं किस्मत अच्छी हुई तो थ्री थीटा वाली टर्म कट जाएगी आपस में डू यू ऑल एग्री ये ये आपके अंदर ही जाग जागनी चाहिए जाग रही है पक्का जाग रही है बताओ अगर इच्छा जाग गई है तो बेटा फिर फॉर्मूला लगाते हैं बट फॉर्मूले में हमको पता है टू चाहिए होता है आजा भाई आ जाइने साइन बी टू, 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 टू चाहिए होता है तो टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर पूरा टू से मल्टीप्लाई नीचे पूरा टू से मल्टीप्लाई लगाओ फॉर्मूले सीधे लगाओ फॉर्मूले जैसे फॉर्मूला लगाओगे बेटा जैसा कि मैंने कहा आपकी किस्मत अच्छी है किस्मत कभी खराब होती नहीं बेटा कॉज थ्री थीटा और माइनस कॉज थ्री थीटा आपस में कट गए नीचे साइन थ्री थीटा और माइनस साइन थ्री थीटा कट गए आपके पास ये बचा और अब तुम मुझे बताओ सोच के ऊपर ये बचा है नीचे ये बचा है और आपको इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक जाना है तो आप क्या करना चाहोगे यहां पे बताओ यहां पे क्या लगाना चाहोगे मुझे इसको टेन फोर थीटा बनाना है शाबाश सर जी अब सही समय आ गया है इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का अब सही समय आया है एग्जैक्टली exactly. तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया टेन फोर थीटा अप्रोच समझ गई तुमको पूरी अप्रोच समझ गई आ गए तो ये चीजें आपको ना सेशन के बाद एक बार दोबारा बैठ के एक एक क्वेश्चन को रिपीट करते हुए अपने आपको याद दिलवानी है दिमाग में बिठानी है और फिर डीपीपी सॉल्व करना है अगर आपने इस तरह से समझ लिया ना बेटा ट्रेनमो विल बी वेरी इजी फॉर यू बिलीव मी आ जाओ अगला सवाल ये दो स्टैंडर्ड से सवाल है पहले ये करते हैं ओके इस सवाल को मैं तीन तरीके से करने लगाऊ तीनों इंपॉर्टेंट है तो तीनों समझने हैं आपने कई बार एक अप्रोच लगेगी कई बार दूसरी कई बार तीसरी ठीक है जो तीसरी अप्रोच है वो जनरल अप्रोच है जो हर बार लगती है जो पहली दो अप्रोचेस पर्टिकुलर केसेस आओ सबसे पहला केस जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है पहले से कुछ याद है हमने कॉज वाला एक फॉर्मूला किया था कॉज थीटा कॉज टू थीटा कॉज फोर थीटा कॉस एट, एट थीटा वो याद है राइट तो हमने कहा था कि जब भी चीजें प्रोडक्ट में आती है ना भैया काश वो कॉस में हो और एंगल डबल हो रहे हो तो मैं तो फॉर्मूला लगा दूंगा तो पहला मेथड वही है इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो ये क्या है कॉस ट्वेंटी ये क्या है कॉस फोर्टी और ये क्या है कॉस एटी तो हमने कॉस में कन्वर्ट किया इसी उम्मीद में कि काश एंगल डबल हो रहे हो एंड यस yes, ये डबल हो रहे हैं ब्यूटीफुल सिनेरियो तो हमने कहा देखा भाई थीटा जो है वो 20 है नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो लगाओ फार्मूला sin ऑफ 2 पावर n थीटा अपॉन 2 पावर n sin थीटा तो ये आपका आंसर आ गया यहां से ठीक है जी इसको जो थोड़ा बहुत काटा पीटी करनी कर लो आंसर आ गया ये sin 160 बन रहा है और कितनों को दिख रहा है एक बताओ कितनों को दिख रहा है ये sin 160 है और ये sin 20 है कट कट आंसर इज वन बाय एट कितनों को दिखा बोलो फटाफट साइन वन सिक्सटी को साइन साइन ट्वेंटी से डायरेक्ट काटूंगा मैं सोचूंगा भी नहीं एक्जेक्टली exactly. दूसरा तरीका जो कि अगेन एक पर्टिकुलर मेथड है हर बार नहीं लगता यहां लग रहा है इस करके मैं लगा रहा हूं रिजल्ट याद करिए हमने ट्रिपल एंगल में याद किया था ये साइन थीटा साइन थीटा अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू वन बाय फोर साइन थ्री थीटा याद आया कुछ सेम कॉस के लिए भी होता है रिजल्ट हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में रिजल्ट देखा था तो यही तो है बेटा साइन ऑफ टेन साइन ऑफ सिक्सटी माइनस टेन साइन ऑफ सिक्सटी प्लस टेन सेम फॉर्मूला तो ये बन गया वन बाय फोर साइन थ्री थीटा थ्री इंटू टेन वो थ्री अल्फा थ्री अल्फा थ्री अल्फा सॉरी अल्फा थ्री थीटा 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 मतलब मैंने क्या कर दिया एक रुको 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 एक रुको यहाँ मैंने कुछ थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया बैठ 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 इसको साफ तरीके से लिखेगा साइन थीटा ये मैंने क्या किया यहां मैंने कोई गड़बड़ कर दी ना मेरे को लग रहा है हाँ सिक्सटी था यहाँ पे मैं वही कहूँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं यहां पे सॉरी एक मिनट एक मिनट मैं ठीक करता हूं थोड़ा जोश में आके गलत लिख दिया अब ठीक है रुको साइन अल्फा सिक्सटी माइनस अल्फा सिक्सटी प्लस अल्फा हाँ अब ठीक है थोड़ा जोश में आके ज्यादा ही गड़बड़ कर दी मैंने ओके बिल्कुल तो ये आ गया वन बाई एट ये, ये आ गया सेकेंड मैथड अगेन ये एक पर्टिकुलर मेथड है क्योंकि ये इस फॉर्म में था इस करके लगा इसी फॉर्म में हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं अब आता है तीसरा मेथड जो कि जनरल मेथड है यानी कि ये प्रोडक्ट जैसा मर्जी हो सुंदर हो ना सुंदर हो मेथड थ्री हमेशा लगेगा मेथड थ्री जनरल तो आओ तुमको अब जनरल अप्रोच सिखाता हूं वेरी गुड प्रत्यक्ष जब भी आपके पास तीन चार चीजों का प्रोडक्ट आ जाए जब भी आए सबसे पहला स्टेप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो वन बाय टू को बाहर रखो और टू को अंदर रखो टू साइन टेन साइन फिफ्टी और साइन सेवेंटी ऐसे ठीक है जी टू से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले दो टर्म्स को क्लब कर दो ऐसे और इस पे लगा दो टू साइन ए साइन बी का फार्मूला यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड अप्रोच है याद कर लो जैसे मर्जी प्रोडक्ट आ जाए ये हमेशा लगेगा हमेशा तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो पहली दो टर्म्स को क्लब करके फॉर्मूला लगा दो टू साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी फिर से दिखा देता हूं धीरे दे धीरे याद हो जाएंगे आपको ये टू साइन ए साइन बी ओके माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी तो लगा दो वहां पे हमने लगाया वन बाई टू कॉज ए माइनस बी डेट इज कॉज फोर्टी माइनस कॉज ए प्लस बी कॉज सिक्सटी जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे जब भी लगाओगे हमेशा मतलब वो सवाल ही ऐसा होगा कि यहां पे एक एंगल अच्छा आएगा और एक थोड़ा बदसूरत आएगा ये हमेशा होगा याद रखना ठीक है थेके? एक खूबसूरत आएगा एक थोड़ा बदसूरत आएगा ये हमेशा फिक्स्ड पैटर्न है ये फिक्स्ड मेथड है फिक्स्ड पैटर्न है ये ओके अब इस साइन सेवेंटी को अंदर ले आओ अंदर ले आ, इस हाफ को तो बाहर ही रखो कॉज फोर्टी साइन सेवनटी कॉज फोर्टी साइन सेवनटी माइनस ये हाफ है हाफ इंटू साइन सेवनटी ऐसे रखो और अब तुमने क्या करना है फिर से फॉर्मूला लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन का इस पे इस पे और उसके बाद सवाल खत्म उसके बाद सवाल खत्म तो इस फॉर्मुला कैसे लगाओगे हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा एक काम करता हूं अंदर पूरे को टू से मल्टीप्लाई करके बाहर वन बाई फोर लिख दू चलेगा बोलो अंदर पूरे को टू से मल्टीप्लाई किया टू ये कट गया यहां लिख दिया फोर चलेगा ऐसे कोई दिक्कत होनी किसी को थोड़ा सुंदर दिखेगा वरना बार बार इतने कैलकुलेशन आएंगे तो यह बन गया वन बाय फोर टू कॉज साइन बी टू कॉज साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ठीक है तो आओ देखे टू कॉज ए साइन बी टू कॉज ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अप्लाई करो साइन ए प्लस बी इज साइन वन हंड्रेड टेन माइनस साइन ए माइनस बी साइन ऑफ माइनस थर्टी तो माइनस बाहर आ गया साइन थर्टी अब कितनों को दिख रहा है साइन सेवनटी हो गया कैंसल साइन सेवनटी कैंसल आंसर आ गया वन बाय फोर साइन थर्टी और वही तो आंसर है 1 by 8. तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं थोड़ा सा लेंदी रहता है बट ये हमेशा लगेगा ये दोनों जो है ये पर्टिकुलर केसेस है यहां पे कॉस्ट था एंगल डबल हो रहे थे यहां पे फिक्स्ड शक्ल थी बट ये हर बार हो जरूरी नहीं है अभी अगला सवाल करेंगे वहां पे ये चीज नहीं लग पाएगी बट ये हमेशा लगेगी लेट मी कंक्लूड एंड रिपीट द प्रोसेस विद अनदर क्वेश्चन कंक्लूजन क्या है पहले टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दो पे लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लगाओगे एक एंगल अच्छा बनेगा एक बदसूरत बनेगा इसको अंदर लेके आओ और फिर से लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन सवाल खत्म आओ एक बार और, और लगा के देखें यहां पे आ जाओ देख लो वो डबल वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है टेन फिफ्टी सेवनटी है डबल वाला नहीं लग रहा है बट हम जनरल मेथड है वो जरूर लगेगा नो no डाउट यहां पे ट्रिपल एंगल वाला लग रहा है बट अभी नहीं लगा रहे क्योंकि वो भी हर बार नहीं लगेगा ठीक है आ जाओ पहला स्टेप टू से डिवाइड टू मल्टीप्लाई दो टर्म्स को क्लब करके लगाओ फॉर्मूला टू कॉज ए कॉज बी ही लगाओगे एक एंगल अच्छा बनेगा एक बुरा बनेगा कॉज ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी लगाने के बाद ब्रैकेट कर दो ओपन इस वन बाई टू को बाहर रखो ये क्या है हाफ कॉस सेवेंटी प्लस कॉस फोर्टी कॉस सेवेंटी जैसे ही ब्रैकेट ओपन करो फिर से लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए अंदर पूरा टू मल्टीप्लाई करो टू टू और बाहर डिवाइड कर दो जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे आंसर आ जाएगा टू कॉज ए कॉज बी लगाओ कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी कट कट आंसर आ गया रूट थ्री बाय टू इंटू वन बाय फोर रूट थ्री बाय एट रूट थ्री बाय एट सबको ये बिल्कुल जो फ्लो समझ आ गया फिक्स्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी स्टैंडर्ड मेथड स्टैंडर्ड कैटेगरी स्टैंडर्ड मेथड इसमें कुछ और सोचना ही नहीं ऐसे ही लगाना है वेरी गुड ओके तो बेटा जी फिर से एक बार याद दिला दो दु तुमको दोबारा से क्या कि तुमको किसकी तैयारी करनी है इसकी तैयारी करनी है फटाफट करो प्रॉमिस सर ऐसे रिजल्ट लेंगे अगले साल बोलो फटाफट प्रॉमिस करो प्रॉमिस सर इतना एफर्ट मारेंगे कि ऐसे रिजल्ट आएंगे हमारे भी बोल दो फटाफट प्रॉमिस सर वी विल बी हेयर प्रॉमिस सर नेक्स्ट ईयर हम, हम भी इसी लिस्ट में होंगे हा प्रॉमिस भाई और तो सर कैसे बोल दिया भाई बोलो यार मेरे मुंह से सर कैसे निकल गया प्रॉमिस भाई मेरे पढ़ने का मज़े तब आता है जब मैं भाई बन के पढ़ाता हूँ शाबाश बहुत बढ़िया एग्जैक्टली exactly. तो तुम्हें ऐसे रिजल्ट लाने हैं आई मीन आई विल नॉट से की प्रेशर बट डेडिकेशन उतना चाहिए आपका राइट right? डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए हो सकता है किसी का रिजल्ट 99 आए किसी का 97 वो थोड़ा बहुत चलेगा बट डेडिकेशन इतनी होनी चाहिए प्रॉमिस ये करना है कि सर अपना एफर्ट इतना देंगे कि हंड्रेड परसेंटाइज नाइनटी नाइन परसेंटाइज ऐसा हम लाएंगे हम उतना एफर्ट देंगे ठीक है लव यू टू बेटा गॉड ब्लेस यू चलो ये आ गए दो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं मैं आपको इसका डेरिवेशन का स्टेप बताऊंगा वो आपने लगा के इसको प्रूव भी करना है बट अभी के लिए पहले याद करना है देखने में बहुत भयंकर लग रही है तो पहले मैं इसको आप थोड़ा सा बेस बना देता हूं आ, आ, आ। कहां से था यहां से था सुनो एक चीज बताओ मैं सीरीज लिखता हूं तुम बताना तुम्हें उसमें अच्छा क्या लग रहा है टेन डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री 14 सॉरी फिफ्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री जरा बताना अच्छा क्या लग रहा है इसमें सेवनटी डिग्री ऐसे इसमें अच्छा क्या लग रहा है जरा बताओ इसमें तुम्हें एंगल्स में कुछ खूबसूरती दिख रही है हाँ, सर एंगल ना एपी में आ रहे हैं एंगल ए पी में आ रहे हैं एग्जैक्टली exactly. तो जब भी एडिशन हो और एंगल ए पी में हो तो वो एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास और वही फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं अब ठीक सेम कॉस में भी जैसे कि ये कॉस फाइव डिग्री कॉस फिफ्टीन डिग्री कॉस ट्वेंटी फाइव डिग्री कॉस थर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री ऐसे चलती रहे जितनी मर्जी बना लो एडिशन में है और एंगल ए पी में है तो जब भी साइन या कॉस एडिशन में आए और एंगल ए पी में हो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास वो है ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में बाकी तुमको कोई गलती नहीं लगनी बस ये ध्यान रखना कि एन जो है फॉर्मूले में वो नंबर ऑफ टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स बस ये याद रखना नंबर ऑफ टर्म्स इसके अलावा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली सर ये फॉर्मूला बहुत बड़ा नहीं लग रहा तुच्चा फॉर्मूला है घटिया फॉर्मूला है अभी लगाएंगे तुम्हें एहसास हो जाएगा शिट देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि ए डी एन है ना बहुत कुछ आ रहा है बट अप्लाई करने में ये कुछ भी नहीं है एक मिनट अगला सवाल कॉस का है एक बार एक बार के लिए थोड़ा सा इसको दिमाग में बिठा लो थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो इसको चाहे तो कॉपी पे लिख लो क्योंकि जब मैं अप्लाई करूंगा बस आप मैच कर लो कि हाँ सर ठीक लगाया है और तुम्हें दिख जाएगा अरे ये तो बहुत छोटा है देखने में लग रहा है बड़ा फॉर्मूला है पर कुछ भी नहीं है बहुत छोटा फॉर्मूला है ठीक है एंड यस बेटा ये एन टर्म्स तक का ही है एन टर्म्स तो साइन एन इन टू डी बाई टू साइन डी बाई टू कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू एक बार के लिए बस याद करो अप्लाई करके बताता हूं हो गया लिख लिया अब सुनो जैसे ही सवाल आया तुमने देखा अभी कॉस एडिशन में है जैसे एडिशन में देखा दिल के अंदर उम्मीद जागी काश एंगल एपी में हो जाए अगर एंगल एपी में हो ना डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा सर जी तो हमने देखा एंगल बी एपी में है टू पाई बाय सेवन फोर पाई बाय सेवन सिक्स पाई बाय सेवन तो हमने कहा फॉर्मूला लगाएंगे आओ बेटा सबसे पहले बताओ ए क्या है ए मतलब सबसे पहला एंगल सर जी ए है मेरा टू पाई बाय सेवन फिर मुझे बताओ डी कितना है डी यानी कि जो ए पी है उसका कॉमन डिफरेंस सर जी टू पाई बाय सेवन और फिर मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर जी थ्री सर जी थ्री तो अगर तुमने ये तीन चीजें लिख ली उसके बाद सिर्फ फार्मूला है देखो फार्मूला कितना छोटा है देखो फार्मूला कहता है साइन एन इंटू डी बाय टू थ्री इंटू पाई बाय सेवन एन इंटू डी बाय टू डिवाइड बाय साइन डी बाय टू साइन डी बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाय टू खत्म आंसर आ भी गया आंसर आ भी गया देखने में फॉर्मूला बड़ा लगेगा बट एक बार याद कर लोगे तो मुश्किल नहीं है तो मुश्किल नहीं है ओके okay? एक बच्चा कह रहा है सिक्स पाई बाय सेवन बेटा कहीं पे सिक्स पाई सेवन नहीं आ रहा यहां पर बेटा एन माइनस वन डी बाय टू है एन माइनस वन डी बाय टू ब्रैकेट ओ ब्रैक हाँ ठीक होन माइनस वन डी बाय टू है देखो बेटा एन माइनस वन डी बाय टू ओके सिक्स फाइव बाय सेवन नहीं है बेटा कहां पर सिक्स फाइव बाय सेवन बनाते जा रहे हो कहाँ बना रहे हो बेटा ठीक है बिल्कुल ठीक है आपने यहां डी बाई टू नहीं किया होगा इस करके सिक्स बोल रहे हो बेटा ठीक है साइन के अंदर एन माइनस साइन एन इंटू डी बाई टू है यहां पे भी साइन एन इंटू डी बाई टू है आ जाय टू है डी बाई टू तो थ्री इंटू फाइव बाई सेवन ठीक है महाराज आ जाओ तो बेटा देखो बना क्या आप अब बात आती है सुनो मेरी बात अब जेई मेन की बात आती है क्या जेई मेन तुमको ये देगा आंसर में नो जई मेन तुमसे थोड़ा सा कष्ट करवाएगा जय मेन तुमसे थोड़ा कष्ट करवाएगा तुमने आंसर निकाल दिया दिस इज द आंसर बट मोस्ट लाइकली हो क्या रहा होगा ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा होगा और वो सिंप्लीफाइड ऑप्शन तुम्हें दिखेगी आंसर में तो अब यहां पे तुम्हें ध्यान देना होगा यू हैव कैलकुलेटेड इट इट इज द आंसर बट अगर ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू फर्दर सिम्पलीफाई तो सिंप्लीफाई मतलब मेरे को लगता है कि हम टू साइने काज बी लगा सकते हैं क्योंकि सी प्लस डी बहु ए प्लस बी बहुत अच्छा है ये yes सोनो no? देख पा रहे हो थ्री पाई बाय सेवन प्लस फोर पाव बाय सेवन बहुत अच्छा है तो मेरे अंदर तो फीलिंग आ रही है कि टू साइन ए कॉज बी लगा देना चाहिए ए प्लस बी बहुत है। तो हमने लगाया फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी पाई प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस पाई बाई सेवन तो बेटा ये तो जीरो ही है और ये कितना आ गया माइनस हाफ तो आंसर इज माइनस हाफ बेटा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री है थ्री पावा सेवन फोर पावा सेवन सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है एक तो माशाल्लाह पता नहीं तुम भी मैं सोचता हूँ मेरी कैलकुलेशन के हालात बुरे हैं तुम मुझसे भी आगे बेटा एक नंबर सो so, ये आपने पैटर्न सीखा आंसर आया कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ध्यान रखना है आपने एक सवाल और देख लेते फिर चलते हैं यहाँ पे सिखाना वही है कि ऑप्शन मैच करना तुम्हें आना चाहिए यहाँ पे सीखना आपने यही है आओ फिर से देखा हमने सेम ट्रेंड ए बहुत अच्छा है डी बहुत अच्छा है और एन बहुत अच्छा है लगा दिया फॉर्मूला साइन एन इंटू डी बाय टू थ्री बाय सेवन साइन डी बाय टू एंड साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बाई डी टू सेम फॉर्मूला लगा दिया ये बन गया यहां पे ये अब ऑप्शन में ये तो नहीं है ऑप्शन में ये तो नहीं है अब क्या करें ठीक है जी अब आपने देखना है तो आओ अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेरे दिमाग में फिर से सेम चीज आ रही सर जी ए प्लस बी बहुत अच्छा है साइन पाई बन जाएगा मगर सर जी पुश्ते तक खुश हो जाएंगी हमारी तो पुश्ते खुश हो रही कर दो बेटा टू टू लगा दो पुशतों को खुश कर लो अपनी टू साइन ए साइन बी अभी याद नहीं पर धीरे धीरे याद हो जाएगा कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी ओके कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी फिर से दिखाता हूं ऐसे देख देख के याद हो जाएंगे आपको फॉर्मुले कहा गया आ जा भाई और गुस्सा नहीं खाना ना ना, ना। आ जाओ टू साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी ये देख देख के याद हो जाएंगे अप्लाई कर करके आपको याद हो जाएंगे ठीक तो यह हमने जैसे अप्लाई किया यहां पर आ जाओ आ गए कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी अपॉन टू साइन पाई बाई सेवन अब यहां पे एक नजर मारो बेटा ये बन गया माइनस वन कॉस पाई होता है माइनस वन तुम देख पा रहे हो तुम्हारा फेवरेट बन गया प्लस वन और जब भी तुमको वन प्लस दिखता है तो तुम्हें क्या क्या महसूस होता है बोल दो फटाफट ये वही सवाल आ गया जो आप ओरली कर सकते हो ये वही सवाल आ गया जो तुम ओरली कर सकते हो वन प्लस कॉस जब भी वन प्लस कॉस जब भी वन प्लस आता है सर जी टू कॉज स्कोर लिख देते हैं तो टू कॉज स्क्टीन वन प्लस टू थीटा, टू के थीटा, जहां भी वन प्लस दिख रहे ये लिख दो बस अपॉन इसको भी हाफ में तोड़ दो फोर साइन पाई बाय फोर्टीन कॉस पाई बाय फोर्टीन तो बेटा जी एक कट गया ये यहां टू तो आंसर आ गया हाफ कॉट पाई बाय 14 चकते फटे मार के पुत्र जी नजारे सो आई एम प्रिटी श्योर कि तुमको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया है राइट नाउ बिफोर आई गो टू नेक्स्ट कैटेगरी आई शुड टेल यू एंड यू शुड ट्राई इट आफ्टर क्लास सर ये जो गंदा सा फॉर्मूला है इसको प्रूफ कैसे किया गया प्रूफ कैसे किया गया इसका प्रूफ बहुत खटिया बेटा बहुत ही खटिया है मेरे आगे ये पड़ा है और मेरे को प्रूव करना है कि ये इसके बड़े से ये इसके बराबर है यही प्रूव करना है मेरे को मैं बता दूं ये आपको पूछा नहीं जाएगा बट मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि यहां पे सोचने का तरीका डिवेलप होता है सोचने का तरीका डिवेलप होता है इस पूरे को प्रूव करना कि इसके बराबर है बेटा हिंट ये है यहां को नीचे दिख रहा है साइन डी बाय टू है ना एक काम करो इस पूरे को साइन डी बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ऐसे होगा क्या एक तो ये टर्म क्रिएट हो गई दूसरा इसको अंदर ले जाओ यहां भी प्रोडक्ट आ गया यहां भी प्रोडक्ट यहां भी प्रोडक्ट यहां भी प्रोडक्ट सब को ओपन करोगे ना ट्रांसफॉर्मेशन से सारे कट जाएंगे एक या दो बचेंगे और वही तुम्हारा ये है हिंट समझ आ गया हिंट समझ आ गया बेटा मिनट बेटा मिनट पूरी तार हिल गई माला माला पैरों में आ गई चल गई साइन डी बाई टू को अंदर लेके जाओ ये बना साइन ए इंटू साइन डी बाई टू यह बना साइन ए प्लस डी इंटू साइन डी बाई टू साइन ए प्लस टू डी इंटू साइन डी बाई टू एंड सो सब सबको ओपन कर दो सबको सारे कट जाएंगे एक टर्म बच जाएगा और वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहां से ऐसा हिंट क्लियर है यस yes, साइन बिल्कुल तो बेटा ये आपका हिंट ये आपने खुद प्रूव करना है ओके okay? ये आपने खुद प्रूव करना है ओके okay. अब आता है आज का लास्ट टॉपिक कंडीशनल आइडेंटिटीज अब कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती हैं एक बच्चा कह रहा है पिछले वाले सवाल में साइन ए प्लस साइन बी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करी जा रहे बेटा मुश्किल हो जाएगा ना दो टर्म या तीन टर्म्स नहीं है ना एन टर्म्स हैं आ जाओ देर आर सम आइडेंटिटीज विच होल्ड ट्रू ओनली अंडर सम कंडीशन अब ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं मैं पहले इसका एप्लीकेशन बता दूं नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं होंगी बट जहां यूज होंगी वो इसके बिना सॉल्व ही नहीं होगा और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया मैं थोड़ा ठीक कर दूं जस्ट गिव मी अ मिनट हल्का सा कैमरा ठीक किया जाए माशाल्लाह पूरा लो जी अब ठीक है सो so, जहां यूज होंगी वहां इसके बिना बात ही नहीं बनेगी सवाल होगा ही नहीं ठीक है कैमरा अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है इतनी जोर से टांग फंसी शुक्र करो बेटा बंद नहीं हुआ सेशन वरना मैंने नीचे गिरना था तुमने हंसना था और सेशन कैंसल होना था अब ठीक लग रहा है अब ठीक है आ जाओ बेटा अब ठीक है अब ठीक है सो so, <laughs> आ जाओ आजो आ जाओ सो so, आओ इनको पढ़ते देखने में कैसी होती देखो जरा ये रही इसके अलावा दो तीन और भी हैं ओके okay? मतलब बनाने में जितनी मर्जी बनाते जाओ बट दीज आर लाइक ऐसी जो आपको याद कर लेनी चाहिए ये याद कर लोगे तो अगर आप एडवांस को टारगेट करते हो तो आपको हेल्प होगी अगर बता दूं, बिल्कुल प्रिसाइज बताऊं बिल्कुल प्रिसाइज, ये दोनों तो ऐसी हैं कि आपको याद करनी ही करनी है चाहे आप जेई मेन की प्रैक्टिस करते हो चाहे आप जेई एडवांस की करते हो ठीक है ये ऐसे हैं जो आप जई एडवांस के लिए तो जरूर करोगे जेई मेन के लिए इसको स्किप करने का छोड़ सकते हो सोच सकते हो जेई मेन का यूज नहीं होता पर डी और ई e तो ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो जाते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको प्रूव करेंगे मतलब आता हो प्रूफ अच्छा रहता है ता, मजा आता है थोड़ा मैनिपुलेशन और स्ट्रांग होती है जो प्रूफ ए का है बी और सी का डिट्टो सेम प्रूफ है डिट्टो सेम प्रूफ फर्क ही नहीं है और फिर हम डी और ई e को प्रूफ कर लेंगे ठीक है तो आओ एक बार इसको कर लेते हैं यस बेटा इनमें से मैं एक दो करवा भी चुका हूं कंपाउंड एंगल में बिल्कुल सही कहा लेफ्ट हैंड साइडेंटिराइट साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी हमेशा नहीं होता जब ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो होता है तो आओ जरा देखे कैसे करते हैं पहला स्टेप किन्हीं दो को जोड़ दो जोड़ दो क्योंकि फाइनल मुझे प्रोडक्ट में जाना है जोड़ो टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू जोड़ दिया ओके तीसरे को ऐसी रहने दिया ये पहला स्टेप होगा हमेशा फिर क्या करना भाई फिर तुमने क्या करना है इसको तोड़ना है और इसको कुछ ऐसे लिखना है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए क्या करना है इसको तोड़कर कुछ ऐसे लिखना है कि इनमें से कुछ कॉमन आ जाए आओ कोशिश करते हैं पहला स्टेप तो यही कर देते हैं टू साइंस कॉ सी यही बनता है तोड़ना टू साइंस कॉ सी अब मैं कैसे लिखूं कि कुछ कॉमन आ जाए कितने जने देख पा रहे हैं कि यार इसको ना मैं गिवन कंडीशन को यूज करके गिवन कंडीशन को यूज करके ए प्लस बी में ला सकता हूं दिस इज टू साइन ए प्लस बी डू यू एग्री टू साइन ए प्लस बी सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और कॉज सी को भी लिख लिया कॉज ऑफ ए प्लस बी बट विद माइनस कॉज सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव हो जाता है तुमने ये कर दिया 90 परसेंट प्रूफ खत्म बेटा पूरे में से टू साइन कॉमन आ गया अंदर जो बचा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो कन्वर्ट करते ही बेटा सवाल खत्म बस इतना सा प्रूफ होता है और ये स्टैंडर्ड है परी आप देखो अब आप एक बच्चा भी कह रहा है सर ये में से प्रूफ तो नहीं आते फिर हम ये क्यों कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन अवर मैनिपुलेशन स्किल टू स्ट्रेंथन अवर मैनिपुलेशन स्किल ये मैनिपुलेशन जो है आपने इन दो को जोड़ा फिर उसको तोड़ के ऐसे ही लिखा कि कुछ कॉमन आ जाए कॉमन आता ही अंदर फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया क्यों किया क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड है ए बी सी है तो जब मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा सी प्लस डी बाय टू ए बनता है सी माइनस डी बाय टू बी बनता है इसलिए मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो बेटा क्या बना सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू इन साइन डी माइनस सी बाय टू टू साइन ए साइन बी टू फोर हो गया या साइन ए प्लस बी या क्या करे बेटा सर जी टेंशन ना लो इसको साइन सी सीधे लिख दो मुड़के सीधे लिख दो मुड़के मजा आ गया बोलो मजा आ गया मानते हो कि कहीं ना कहीं आपका मैनिपुलेशन यहां पे डेवलप होता है कहीं ना कहीं आपका मैनिपुलेशन यहां पे डेवलप होता है समझते हो गॉड आ गया मजा शाबाश एक बच्चा पूछा है कि सर एनी एक्सपेक्टेड डेट फॉर योर क्या कहते हैं माइक्रो बेटा uh, यही मेन ख़त्म होगा ट्वेंटी सेवन्थ को ओके okay? तो एक दो दिन मैं छुट्टी पे हूँ ट्वेंटी नाइन्थ को वापस आऊँगा तो आप लेके चलो अगस्त फर्स्ट वीक में डेफिनेटली इट विल स्टार्ट डेफिनेटली इट विल स्टार्ट अगस्त फर्स्ट वीक ठीक है ओके okay. ला भाई एग्जैक्टली exactly सेम तरीके से अगला प्रूफ भी है ये वाला एग्जैक्टली exactly सेम तरीका रहेगा और सेम तरीका ये भी है यानी कि जितने भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन है सभी सेम तरीके से प्रूव होते हैं अगर आपने एक सीख लिया बाकी सारे सेम बट कमिंग टू दिस कितनों को याद है हमने प्रूव किया था कंपाउंड एंगल में और इसका तरीका बहुत ही प्यारा था कितनों को याद है क्योंकि tan की तो कैटेगरी है बेटा tan की तो कैटेगरी है जब भी एंगल्स में खूबसूरती है और तुम्हें टैन में रिलेशन चाहिए तो खूबसूरती लिखो टैन अप्लाई करो सवाल खत्म खूबसूरती लिखो टैन अप्लाई करो और आपका जो प्रूफ था वो हो गया टैन पाई जीरो सबको फॉर्मूला याद है एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू समेकन वन एट अ टाइम सबको याद है ना चैट बताते जाओ सम टेकन वन एट अ टाइम सम टेकन थ्री एट अ टाइम तो वो तो एक ही टर्म बना वन माइनस सम टेकन टू एट अ टाइम लो जी हो गया खत्म इक्वल टू जीरो सबको याद था ना हाँ याद था अब बेटा ये नीचे वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा जीरो तो आंसर क्या आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी अब मुझे एक बात बताओ कोई बात बताना अगर मैं हल्का सा चेंज कर दूं हल्का सा चेंज कर दूं सुनो ध्यान से मैं पाई की जगह कुछ टू पाई कह दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या कोई फर्क पड़ेगा बताओ कोई फर्क पड़ेगा और मेरे मार्शन बेटे वो बेटे मार्स मार्स वाले बच्चे बेटा ये कंपाउंड एंगल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वहां से रिवाइज करो सेशन नंबर टू में ये करवाया बेटा ओके okay? हां कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो टैन वाले केस में इन पर्टिकुलर टैन वाले केस में यहां पे अगर एन पाई भी होता एन पाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता नी इंटीजर क्योंकि टेन ऑफ एन पाई हमेशा जीरो ही आएगा ठीक सिर्फ इसमें बाकी में नहीं पिछले में नहीं जो ए बी सी थे वो पाई के लिए ही है वहां मत गड़बड़ कर देना बट टेन के लिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेन ऑफ एन पाई जीरो ही आता है एग्जैक्टली exactly. और सिमिलरली डी पार्ट हो जाता है बेटा अब ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो हमने ये सवाल शायद पहले भी किया था ए प्लस बी प्लस सी बाई टू जो है वो पाई बाई टू हो जाएगा टैन अप्लाई करो प्रूव हो गया सबसे आसान होता है टैन के केसेस में प्रूव करना जब भी तुमको एंगल में कोई कंडीशन गेवन है खूबसूरती गेवन है और तुम टैन में रिलेशन बताना चाहते हो ना सिंपली खूबसूरती लिख के टैन अप्लाई कर दो सवाल खत्म हो जाता है टैन अप्लाई कर दो सवाल खत्म हो जाता है गॉड जैसे बेटा खुश रहो वेरी गुड सो ये है कंडीशनल आइडेंटिटीज जो कि यूज कम होंगी बट जहां होंगी इसके बिना बात नहीं बनेगी हालत हो जाएगी टैट सर प्रो सब्सक्रिप्शन में जब तो तू तो कोर्स मिड जुलाई में स्टार्ट हुआ कौन से महीने तक ख़त्म होगा बेटा प्रो सब्सक्रिप्शन में जो नए बैचेज हैं वो धीरे धीरे बनते ही जाते हैं काफ़ी टाइम तक फर्क ये होता है कि जो लेट बनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है क्लासेस की ताकि सही टाइम पे सिलेबस ख़त्म हो जाए ठीक है ओके आ जाओ बेटा मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो गया आज तक वैसे ही दो टॉपिक थे ओह सवाल तो देख लो सवाल तो ओहो कंडीशनल आइडेंटिटी के सवाल तो देखे नहीं आओ तो सवाल दिखाऊं कि कंडीशनल आइडेंटिटी जो है वो उसका यूज़ कैसे होता है आओ के वी पी वाई के बारे में बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ वेरी गुड मैथ्स मैट्रिक थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी खुशखबरी है जो के वी पी वाई का माइक्रो कोर्स लॉन्च हो रहा था वो ओपन है अब यानी कि आप अगर मान लो कहीं और कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो और अभी आप इस कंडीशन में नहीं हो कि वेदांतु प्रो ज्वाइन कर पाओ तो आप के वी पी वाई का कोर्स अलग से भी बाय करके अटेंड कर सकते हो फोर थाउजेंड या सिक्स थाउजेंड के आसपास है राइट सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर के वी पी वाई बिकॉज के वी पी वाई का प्रैपरेशन ईजिली मतलब मिलता नहीं कहीं पर तो वेदांतु पे लास्ट ईयर था करवाया गया था इस बार फिर करवाया जा रहा है और वो ओपन है येस yes, अगर आप वेदांतु प्रो के स्टूडेंट हैं तो वो आपके लिए फ्री है तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आप डायरेक्टली उसको अटेंड कर सकते हो बट अगर आप वेदांतु प्रो पे नहीं भी हो एंड यू आर लुकिंग फॉर सम के वी पी वाई प्रेपरेशन का कोर्स तो आप उस कोर्स को अलग से ले सकते हो ठीक है और चलो भटकाना, आ जाओ भटकान मेन दे दी इंफॉर्मेशन अब यहां वापस आ जाओ इफ ए प्लस बी प्लस सी मुझे बता दिया कि कुछ तो कंडीशनल का यूज हो सकता है देन प्रूव दैट दिस देखो सुन मेरी बात ध्यान से सुनना मुझे बाकी तो नहीं पता पर सबसे पहले जो चीज मेरे दिमाग में आती ना वो ये आती है इसको देखो जरा साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस बी यही लिखा है ना देखो जरा हाँ सर लिखा तो यही है डू यू एग्री इस ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस सी डू यू एग्री हा सर लिख सकते हैं पाई माइनस सी तो यह पूरा टर्म क्या बनेगा साइन ऑफ टू सी माइनस पाई हां जी सर बनेगा तो यही एंड डू यू रियलाइज इट इज नथिंग बट माइनस साइन टू सी पहले माइनस किया उल्टा साइन ऑफ पाई माइनस टू सी बन गया साइन टू सी तो इनडायरेक्टली उसने वही लिखा हुआ है जो आपने अभी किया या आज ना या टूटेगी पक्का मेरे को लग रहा है चलो तो अगर आप इन टर्म्स को देखोगे तो बेटा पहला टर्म कुछ और नहीं माइनस साइन टू सी है माइनस कॉमन ही निकाल दो दूसरा माइनस साइन टू ए है और तीसरा माइनस साइन टू बी है और ये आपकी डायरेक्ट कंडीशनल आइडेंटिटी है वेन एवर ए प्लस बी प्लस टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इज फोर टाइम साइन ए साइन बी साइन सी डू यू अंडरस्टैंड इफ यू नो कंडीशनल आइडेंटिटी तो आप पहले से ही इस स्टेप का मोटिवेशन रखोगे क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केस में ये इसके बराबर डायरेक्टली बनेगा बट अगर आपको याद है तो वरना टाइम लगेगा वरना आप पूरा इसको करने का पूरा प्रोसेस भी है आप इन दोनों को पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो सेम तरीके से अप्रोच करो जैसे आपने प्रूव किया था सेम तरीके से अप्रोच करो वहां से भी होगा बट इट विल टेक टाइम इट विल कंज्यूम टाइम एग्जैक्टली अब देखो यहां पर देखो ए प्लस बी प्लस सी वन एट्टी डिग्री है प्रूव दैट कॉस स्क्र ए प्लस कॉस स्क्स कॉस स्क्वल टू वन माइनस टू कॉज ए कॉस बी कॉस अगर मेरे को कोस की कंडीशनल आइडेंटिटी याद है कौन सी कॉस टू ए कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी वाली आ जाओ आज ओ आ आजा जा गुस्सा नहीं खाते सेल खत्म कर दिए मैंने लो मैंने सेल ही खत्म कर दी यूज कर करके जाओ बेटा ये वाली कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी वाली अगर ये आइडेंटिटी में कोई याद है देख लो उसको माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो डू यू एग्री इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली पहला थॉट ही ये लगाऊंगा कि इनको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो डू यू ऑल एग्री लेफ्ट हैंड साइड वन प्लस कॉज टू ए बाय टू वन प्लस कॉज टू बी बाई टू वन प्लस कॉज टू सी टू मैं तभी दिमाग में लाऊंगा अगर मेरे को वो कंडीशनल आइडेंटिटी याद है या फिर मुझे उसका प्रूफ आता है मुझे उसका प्रूफ आता है कि यार पावर को हटाओ ऐसे लिख लो और फिर ना इनको जोड़ दो प्रोडक्ट में जोड़ दो आगे समझ फिर इनको प्रोडक्ट में जोड़ दो तो यहां पे वन बाय टू वन बाई टू वन बाई टू थ्री बाय टू प्लस वन बाई टू कॉमन कॉस टू ए कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी अब यहां पे या तो मुझे प्रूफ याद हो इन दोनों को जोड़ो आगे चलो या फिर डायरेक्टली रिजल्ट याद हो दैट दिस वैल्यू इज माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी समझ गए तो तो या तो डायरेक्टली रिजल्ट या यहां पे प्रूफ तो इस तरह से इसके सवाल बनते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज के ओके अब एक बहुत प्यारा सवाल सवाल जो कि आज का आखिरी है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा देसी जुगाड़ लगाए देखे चला महाराज देखो देसी जुगाड़ हर बार चलता है आ जाओ यह सवाल एक काफी आप कह सकते हो कि जो बच्चा भी मेन से ऊपर की तैयारी करता है उसको यह सवाल जरूर करना चाहिए जो बच्चा भी मेन से ऊपर की तैयारी कर रहा है आओ कहता इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज एक्स वाई जेड देख कर दूर दरार तक ख्याल नहीं आता कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये लगता है कि यार ये तो ना कुछ अलजेब्राइक क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन है नहीं इसको ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे और आप कर पाओगे अगर आपने एक बार पहले देखा हुआ है और आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज याद है आओ देखो अगर मैं x को tan ऑफ a कह दूं, y को tan b और z को tan c कह दूं, तो डू यू एग्री ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इट a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c? यस सर श्योरली इट says सो so. तो डू यू एग्री अगर मुझे कंडीशनल याद है तो मैं कह सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ पाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई डायरेक्ट कह सकता हूं यस सर कह सकते हैं अब कितनों को दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है अगर टेन में देखें टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्कोअर ए कितनों को दिख रहा है ये अच्छी चीज है कितनों को दिख रहा है ये अच्छी चीज है सर ये तो साइन टू ए बन गया ये तो साइन टू ए बन गया दिखा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा टेन टू थीटा नहीं साइन टू थीटा सॉरी ओ सॉरी 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 पाप लगेगा बेटा मेरे को पाप लगेगा सॉरी पाप लगेगा टेन टू थीटा सॉरी माई बैड माई बैड साइन में नीचे प्लस होता है साइन में नीचे प्लस होता है टू टेन थीटा पॉन वन प्लस होता है साइन टू तो अब देखो अब ये मुझे पता है दैट ए प्लस बी प्लस सी एन पाई है और प्रूव क्या करना है ध्यान देखना अब टू प्रूफ क्या है अगर आप एक्स को ये रखो तो ये क्या बनता है टेन टू ए क्या बनता है टेन टू बी ये क्या बनता है टेन टू सी और ये क्या है बेटा ध्यान से देखो इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो है इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो लिखा है देख पा रहे हो देख पा रहे हो इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो लिखा हुआ है तो अब तुम मुझे बताओ जब मेरे को पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी एन पाई है तो सर्टेनली मुझे पता है टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी भी मल्टीपल ऑफ पाई है टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी भी तो मल्टीपल ऑफ पाई है और अगर मुझे यह पता है तो यह जो टू प्रूव लिखा है बेटा टू प्रूव तो क्या रहा फिर तो यह प्रूव्ड हो गया वेन एवर सम ऑफ एंगल्स इज अ मल्टीपल ऑफ पाई दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव्ड इंप्लाइज़

अनिरुद्ध कहता है यू आर फास्ट सर थोड़ा स्लो हो जाइए no बेटा चलो थोड़ा सा स्लो मैं हो जाऊंगा नो डाउट बेटा कोई टेंशन नहीं है बट मेरे को लगता है, जिस बच्चे ने कंडीशनल आइडेंटिटी को शुरू से देखा है अभी जो लेट नहीं हुआ है वो इसको खुद ही सोच सकता था वो इसको खुद ही सोच सकता था डू यू ऑल एग्री वो इसको खुद ही सोच सकता था वेरी गुड तो so, आओ इसको कंक्लूड करें लास्ट इज एक्स जेड कुछ कह रहा है एक्स वाई जेड ठीक तो लिखा है बेटा ठीक है बेटा ठीक है ठीक है थर्ड के डिनोमिनेटर में थर्ड के डिनोमिनेटर में अच्छा बेटा वो मिस प्रिंट है okay, okay, okay. हाँ वो मिस प्रिंट है मिस प्रिंट है आ जाओ बेटा आ जाओ तो अब मैं कंक्लूड करता हूं इसको या यहां पे चलो ये भी कर देते हैं सुनो मेरी बात ये मिटा दूं मिटा दूं क्योंकि अगले पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको ओरली करो बेटा अब ओरली करते हैं इसको ओरली करते हैं ओरली आपको बस ये विजुअलाइज करना है कि अगर आप ओके अगर आपने एक्स को tan ए वाई को tan बी और जेड को tan सी ले लिया तो ये स्टेटमेंट कहती है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी तो आपने सीधे बोला देअर फोर ए प्लस बी प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ पाई ओके अब क्योंकि आपने एक्स को टेन ए वाई को टेन बी जेड को टेन सी बोला है तो जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो क्या बनी टेन टू ए देखो टू टेन ए अपन वन माइनस टेन टेन टू ए प्लस टेन टू बी प्लस टेन टू सी ज इक्वल टू टेन टू ए टेन टू बी टेन टू सी इन तीनों का प्रोडक्ट ही है ये तो तुम्हें नहीं लगता ये तो ऑब्वियस प्रूव हो गया अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई का मल्टीपल है तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी भी पाई का मल्टीपल है और अगर टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी पाई का मल्टीपल है पाई का मल्टीपल है तो सेम इसके लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा tan 2a plus tan 2b plus tan 2c is equal to इन्हीं का प्रोडक्ट और वही तो आपको प्रूव करना था समझ पा रहे हो अब बहुत ऑब्वियस हो गया क्या कहते हो सारे मानते हो ऑब्वियस हो गया अब तो ये एग्जैक्टली exactly, शुभम अनिरुद्ध क्या कहते हो बेटा मानते हो ऑब्वियस हो गया अब तो बस समझना ये था कि अगर आपने x को tan a y को tan b और Z को tan C कह दिया है तो सवाल खत्म हो चुका है बस ये है सारा कैच ये सारा कैच है तो कितनों को समझ आ रहा है कि बेसिकली आपने ये प्रूफ किया है कितनों को समझ आ रहा है बेसिकली आपने ये प्रूफ किया है इफ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी देन देन टू प्रूव टेन टू ए टेन टू बी प्लस टेन टू सी इज इक्वल टू टेन टू ए इंटू टेन टू बी इंटू टेन टू सी कितनों को समझ आ रहा है प्रूव आपने बेसिकली ये किया है बोलो कितनों को समझ आया ये प्रूव किया है? बेसिकली आपने एक्स वाई जेड को टेन ए टेन बी टेन सी कह के, के सवाल ये बन गया था गॉड ब्लेस यू खुश ंग एग्जैक्टली और ये तो ऑब्वियस प्रूफ हो गया अगर मुझे ये गिवन था तो मुझे गिवन था कि ए प्लस बी प्लस मल्टीपल है अगर ए प्लस बी प्लस मल्टीपल है तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी बी तो पाई का मल्टीपल हुआ तो ये भी तो प्रूव हो गया पटक यस बिल्कुल टू की जगह थ्री होता तो भी कोई फर्क ना आता तो भी कोई फर्क नहीं आता क्योंकि अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई का मल्टीपल है तो थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी भी पाई का मल्टीपल है चकते फटे आगे नहीं जा रहे अब बोलो है कोई ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल बोलो है कोई ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल एम ही हवा क्रिएट किया हुआ है लव यू टू बेटा गॉड ब्लेस यू हाँ नीरज हाँ नीरजा बेटा वो ठीक कर दिया मैंने यहां पे ये नहीं आना वो थोड़ा मिसप्रिंट है ठीक है हाँ बस इतना सही है शाबाश तो इसी तरह से तैयारी करते जाओ तुम छा जाओगे और जैसे तुम तैयारी करते हो ना यहां पे ऐसे ही तैयारी ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ टेलीग्राम पे भी चलती है क्योंकि आपको मटेरियल वहां मिल जाता है डीपीपी सॉल्व करने का और सीबीटी मोड का टेस्ट यहां पे होता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और जरूर लाइक किया करो तुम लाइक करते हो मेरे को बड़ी खुशी होती है शेयर करते हो बहुत दोस्तों की हेल्प हो जाती है तुम्हारे बहाने एंड सब्सक्राइब करते हो तो तुम कुछ मिस नहीं करोगे तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब डू शेयर लिंक नहीं बन पाता कंटिन्यूटी नहीं बन पाती राइट सो so, डू सब्सक्राइब ताकि आपको रेगुलर एक स्लॉट बन जाए पढ़ाई का आपका या आपको पता हो कि कब कौन सी चीज आने वाली आप प्लान कर पाओ अपनी लर्निंग को उसके हिसाब से ठीक ओके रजनी बेटा अभी तो ऐसे कैसे बताया बेटा वो तो अभी तो आप इलेवंथ क्लास में हो तो फिर चीज़ें भी बहुत अलग है ना बेटा ओके एंड जैसा कि आप तैयारी करते हो वेदांतु प्रो पे भी ऐसी तैयारी चलती है जहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं क्यों आते हैं एक तो टीम बहुत बड़ी होती है और आप पे डंडा रहता है राइट right? तो अगर आपने अभी तक कोचिंग का सोचते ही जा रहे हो स्टॉप थिंकिंग एंड ज्वाइन विदांतु प्रो वहाँ पे स्टार्ट विद मंथली ट्रायल स्टार्ट विद मंथली ट्रायल ओके इट्स नथिंग बट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट हंड्रेड के आसपास है राइट right? जहां पे आपको प्रॉपर रेगुलर क्लासेस आपकी चलेंगी लाइव क्लासेस प्लस माइक्रो कोर्स आपको जो जो टीचर हम पढ़ाते हैं सारे के सारे माइक्रो कोर्स में आएंगे आपसे इंटरेक्ट करेंगे आपको सजेशन देंगे और आपको वो पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो शायद अभी तक आपके अटके हुए हैं राइट पोस्ट क्लास कंटेंट सारा आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड हो जाएगा सारे का सारा टेस्ट आपके फोर्थ नाइटली होते हैं जिसकी की डिस्कशंस होती हैं बाद में क्लास के बाद आप पोस्ट ऐप पोस्ट क्लास जो है डाउट आप ऐप से लेते हो और ये सम हाउ मुझे नहीं पता तुम कितना समझ पाते हो बेटा बट आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ऑनलाइन कोचिंग में ना ये तुम्हारे लिए वरदान है ड्यूअल टीचर मॉडल एक अगर पढ़ा रहे हैं तो साथ में बहुत सारे टीचर बैठे आपके डाउट ले रहे हैं इसको समझो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यस टी आर सोल्यूशन मेरे को पता है बेटा <laughs> सो यहाँ पे एवरी क्लास फोर टू फाइव क्लास टीचर बैठते हैं तो सिर्फ आपके डाउट लेते हैं ऑन द गो ताकि कोई डाउट रहना जाए ये आपसे डाउट भी लेते हैं पढ़ाते भी हैं अनम्यूट करके भी बात करते हैं बट सर्टेनली कई बार पढ़ाने में मशरूफ़ होते हैं तो डाउट उस समय कौन लेगा दे विल मेक श्योर कि आपका डाउट रहना चाहे तो डूअल टीचर मॉडल इज एक्चुअली समथिंग अ ब्लेसिंग इन ऑनलाइन कोचिंग अगर आप कोचिंग कहीं आपने ट्राई किया तो यू मस्ट हैव है कि एक इंटरेक्शन कितना मुश्किल हो जाता है डाउट कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप टीचर से बात नहीं कर पाते आप ऐसे नहीं कर पाते यहां पे मेक श्योर sure करते कि आप टीचर से बात भी कर पाओ अनम्यूट होके और जब अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और बीच में आपको डाउट पूछना है तो आप बीच में डाउट भी ले पाओ ठीक है इसलिए विदाउट टू सही इतने रिजल्ट आते हैं और इसीलिए आपको एक वी का बैच मिलता है अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हो वो आपको देखना होता है वंस यू आर डिसाइडेड कि अब उसमें को पूरा कोचिंग करना है ख़त्म और कुछ सोचना ही नहीं है ज्वाइन वी बैच जो कि फुल कोर्स आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वी बैच में डाला जाता है जहाँ पर आपको गारंटी मिलती है कि आपका रैंक ए क्लास आने वाला है नहीं आया तो कंप्लीट मनी विल बी रिफंडेड जो कि कभी होना नहीं है क्योंकि वी नो कि रिज़ल्ट अच्छा आता है राइट तो क्लासेस में ऑफ कोर्स ऐसे पढ़ाते हैं हम बैठे होते हैं यहाँ पे यहाँ पे चैट होती है अभी मैंने चैट ऑफ की हुई है तो यहाँ पे इस मोटो से शुरू होते हैं थोड़ा मजे से गपशप मारते हैं पढ़ाते हैं और जो नोट्स हैं वो टाइप्ड भी रहते हैं और टीचर लिख के भी पढ़ाते हैं और मैं यहाँ पे से लिख के पढ़ाता हूँ सो दैट दोनों चीजें रहे फीलिंग अच्छी रहे पोलिंग ऐसे होती पोल रेस करता है टीचर की किसको समझ आ गया किसको समझ नहीं आया अब जो डाउट्स है काफी डाउट्स क्लास टीचर ले लेते हैं कुछ डाउट ऐसे जो टीचर बच्चा बात करना चाहता है टीचर से तो टीचर अनम्यूट करके ऐसे बात कर लेते हैं कई बार टीचर क्वेश्चन भी पूछ लेता है अनम्यूट करके सो बी रेडी वन यू ज्वाइन इट फिर क्विजिंग होती है क्लास में जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इस क्विजिंग में जब रिपोर्ट बनती है ये एक इंटरक्टिव रिपोर्ट होती है यानी कि अगर आप बाद में सेशन का रीप्ले देखते हो तो भी आपका रिपोर्ट बनता है तो लीडर बोर्ड आ जाता है सेशन के एक मोटिवेशन बना रहे लव यू टू बेटा गॉड ब्लेस यू एंड रिप्ले का सही प्रोसेस्टम अच्छा होता है यहाँ पे ना रीप्ले जो ना बड़े इंटरेक्टिव होते हैं मान लो आपने आज की क्लास मिस कर दी कोई काम आ गया आपने कल देखी तो आप जब कल रीप्ले में देखोगे अपनी क्लास वेदांत प्रो पे तब भी जो क्लास में क्विज हुए हैं तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगे रीप्ले में भी यस पार्टिसिपेट करोगे इसे कहते हैं इंटरेक्टिव रीप्ले तो यहाँ पे जो रीप्ले होते हैं वो इंटरेक्टिव रीप्ले होते हैं आप आपको इसमें पार्टिसिपेट करोगे उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट भी बनेगी आपका लीडर बोर्ड में नाम भी आएगा अगर आप अच्छा कर रहे हो ठीक सो इस तरह से सिस्टम चलते हैं सो इसके बारे में मैं आपको एक बार दिखा देता हूं यूट्यूब पर जाके कि आपको कैसे ज्वाइन करना होता है देखो आपको क्या करना है बेटा इसी सेशन पे क्लिक कर देना और इसमें पहले तो पॉज कर देना यह एड कभी नहीं देखनी टाइम पास ठीक है <laughs> फिर आपको नीचे जाके यहां पे क्लास इलेवन वाले पे क्लिक कर देना है यहां पे आप अगर तू सी बी एस ई को ऑप्ट करना चाहते हो या आपको लगता है कि यार बाकी प्रेपरेशन ठीक चल रही है मेरे को सी बी एस ई की तैयारी करनी है तो आप यहां पे जाके चेंज कर सकते हो बाई ये जेई पे होता है ठीक है फिर तो यहां पे आप आगे सेलेक्ट कर लोगे लाइट क्लासिक या प्लस जो आपकी रिक्वायरमेंट है लाइट में पूरा पढ़ाया जाता है पूरे डाउट्स होते हैं सब कुछ होता है बट अगर आपको पोस्ट डाउट पोस्ट क्लास भी डाउट चाहिए पोस्ट क्लास क्लास के बाद भी डाउट चाहिए तो आप क्लासिक को चूज कर लेंगे जैसे इस पर क्लिक करोगे प्राइस कम हो जाएगा और अगर आपको पर्सनल मैंटर चाहिए कि ऐसा टीचर जो आप पे डेडिकेटेड लगा रहता है आपका रिपोर्ट एनालाइज करता है आपको सजेशन देता है आपके डाउट्स लेता है आपको मोटिवेट करता है तो आप प्लस पे क्लिक कर दोगे ठीक है ये जो प्राइसिस लिखे हुए हैं यहां पे ये टू ईयर का कंप्लीट फीस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के टिल यूर जी एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे ठीक सो आपने क्या करना है अगर आप तो फुल ज्वाइन करते हो तो फुल करते हो वरना मेरा जो सजेशन होता है अगर आप अभी थोड़ा भी सोच रहे हो डाउट में हो डू गो फॉर वन ट्रायल डू गो फॉर इट एक्चुअली वन मंथ में क्यों से करता हूं इसके दो बहुत फायदे हैं बेटा एक तो आप लॉन्ग टर्म में एनरोल हो जाते हो आपको पता लगता है कि अच्छा यार इतना अच्छी चीज अभी तक मुझसे मिस हो रही थी मेरे को लगता था कि ऑनलाइन कोचिंग इतनी अच्छी नहीं होती होगी डाउट होता था इट्स टू गुड बिलीव मी एक अलग सा ही माहौल होता है यहाँ पे वेदांतु पे एक तो टेक बहुत स्ट्रॉन्ग है खुद से बनाया गया पेटेंटेड है हमारा थर्ड पार्टी नहीं है बहुत इंटरेक्टिव है मज़े आते क्लास में एंड साथ में टीचर्स का माहौल आपसी बहुत अच्छा है बहुत एक ना मतलब वॉम सी फीलिंग आएगी आपको ठीक दूसरा आप जब वन मंथ भी लेते हैं तो आपको माइक्रो कोर्स सारे मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि अगर आप वैसे देखोगे तो इतने सारे माइक्रो कोर्सेज हैं और आप लेने जाओगे पेड पैसे में करके तो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और उस माइक्रो में आपको आपके जो टीचर आपके भाई आपके दोस्त एंड आपके ऑफकोर्स टमाटर वाले सर तो वो सभी माइक्रो कोर्स लेते हैं आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो वन टू वन एंड अनम्यूट करके बातें कर सकते हो जैसे अब मैंने बताया कि इमीडिएटली आफ्टर जेई मेन जो मैं अगस्त में लॉन्च कर रहा हूँ दो माइक्रो उनमें से पहला माइक्रो मैं मोहित सर और विनय सर मिलकर कर रहे हैं जहां पे वी विल भी इंटरेक्टिंग स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग दैम कि अगर अभी तक आपका ऐसा रहा है इलेवंथ तो आगे आपको क्या करना चाहिए अभी तक अच्छा रहा है तो उसको सुपर अच्छा कैसे बनाना है अगर कुछ खराब हो गया तो आगे उसको कैसे बढ़िया करना है ठीक करना है ग्रेट 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 गॉड ब्लेस यू बेटा सो दैट इज वाई और दूसरा जो माइक्रो लॉन्च कर रहा हूं इमीडिएटली आफ्टर दिस दैट इज एंड टिग्मेट्री फाउंडेशन टू जिसमें मैं आपको अल्जैब्रा और ट्रिगोमेट्री के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा इन डिटेल जो नॉर्मली कोचिंग में उतने डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते क्यों क्योंकि उनका एक अलग पैटर्न रहता है बट अगर तुम थोड़ा टाइम लगा लो इस पर मज़े कर लोगे तो एक तो हाथ अच्छा चलना शुरू हो जाता है सवालों पर राइट right? और कबाड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं मैं थोड़ा अलग तरीके से ना पढ़ाता हूँ तो वो मेरे माइक्रो में आएगा जिन्होंने मेरा पहला माइक्रो लगाया था वेक्टर्स वाला या अल्जैब्रा ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन वन भी मैंने किया था वो इस बात को समझेंगे ठीक है और हाँ आप जब ज्वाइन करोगे ना क्या कहते हैं वेदांतु प्रो पुराने माइक्रो भी आप अटेंड कर सकते हो यस अ लॉट ऑफ माइक्रोज विल बी देयर और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने मर्जी माइक्रोज देख सकते हो माइक्रो मीन एक चैप्टर या एक टॉपिक के जो कोर्सेज होते हैं जितने मर्जी और कई बार अलग से भी होते हैं कोर्सेज जैसे मैंने किया था वैक्टर्स मैंने फिजिक्स का पढ़ाया था राइट तो मैंने बिल्कुल अलग अप्रोच से पढ़ाया था क्योंकि मुझे पता है बच्चों को अलग प्रॉब्लम आती है एलेवंथ में बिगनिंग में आप उस माइक्रो को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो जैसे आप विधान ज्वाइन करते हो तो इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि आप वन मंथ जरूर ज्वाइन करो वन मंथ जरूर जाओ एंड लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस लो साथ में माइक्रो सारे देख लो फ्री ऑफ कॉस्ट जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ठीक है सो दैट इज हाउ इट गोस और बताओ सर मैंने के का कोर्स बाय कर लिया हमें कौन पढ़ाएंगे आर्यन बेटा आपने बाइक किया नहीं कि वो तो लग बात है वैसे ही पूछ लो कौन पढ़ाएगी देखो मुझे मैथ की तो पता है मैथ में इस बारी अंकित सर पढ़ा रहे हैं जो के वी पर का कोर्स है अंकित सर पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया बंदे हैं मज़ेदार मस्ती में पढ़ाते हैं उनका एक्सेंट बहुत अच्छा है आप उनसे बात करोगे आपको मज़ा आ जाएगा <laughs> लॉग में ग्रेट ग्रैंड वाला लेवल पे बेटा लॉग वाला हमने एक टफेस्ट प्रॉब्लम वाला सेशन कर लिया था अगर आपने नहीं लगाया सर्च लग, सर्च मारो हाउ टू सॉल्व टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लॉग इजीली मैंने एक सेशन किया था कर दिया था बाद में आपने सर मिस कर दिया ठीक है अनन्या उस पर अभी प्लान तो नहीं है सोच रहा हूँ अगर हुआ तो देखता हूँ अभी प्लान नहीं है एक्चुअली थोड़ा वो अलग हो जाता है उसकी कैटेगरी अलग है ठीक है एक कैजुअल टॉक ले आओ सर कैजुअल टॉक करनी है तुमको मेरे साथ वैसे ये तो है तुम्हारे साथ थोड़ा सा हो नहीं पाया नॉर्मली मैं करता हूँ कैजुअल सेशंस जहां बच्चों से मैं कैजुअल टॉक करता होता हूँ तुम्हारे बैच में हो ही नहीं पाई अभी तक बात तो सही है एक कैजुअल टॉक कैजुअल टॉक करें एक सेशन लाए कैजुअल टॉक का सेशन लाए एक जिसमें दिल की बातें करें कुछ क्या कहते हो के वी पीवाई से पहले बेटा सिलेबस कैसे खत्म हो जाएगा बट डिपेंड करता है के वीपीआई कब होगा अब उन्होंने के वी पी वाई नॉर्मली तो अक्टूबर एंड में होता है ठीक है पर तुम्हारा सिलेबस नवंबर मिड तक तो जाएगा बेटा अक्टूबर एंड या नवंबर मिड तक ठीक है तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगा ऐसा कह सकते हो टाइमिंग क्लैश बेटा वो तो डिपेंड करता है माइक्रो नॉर्मली जो मेरे होते हैं वो तीन सवा तीन बजे के आसपास होते हैं बेटा सॉल्विंग में अगर टाइम लगता है सिंगेज में तो मे बी आप थोड़ा सही समय पे नहीं सॉल्व कर रहे हैं अभी आपको और सीखने की जरूरत है और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है फिर आप हो जाएगी सॉल्व राइट चलो देखते हैं क्या कैजुअल टॉक अप प्लान बनाते तुम कह रहे हो तो <laughs> चलो ओके गॉड ब्लेस यू खुश रहो लव यू ऑल मजे करो तनिष्क कर सकते हो मतलब आई सर्टनली एडवाइज दैट बिकॉज कंसर्न इज नॉट डमी या नॉन डमी कंसेप्ट इज कि आपको दिन में छह से सात घंटे सेल्फ के लिए चाहिए अब वो कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना है ना दैट्स द पॉइंट चलो ओके गॉड ब्लेस यू खुश रहो मज़े करो एंड सी यू इन वेदांतु प्रो या तो मेरे लॉन्ग टर्म में या माइक्रोज में बट आ जाओ मिलते हैं बेटा गॉड ब्लेस यू